तो स्वागत है ज्ञापन अकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से पूरा मैथमेटिक्स का जितना फॉर्मूला है वो, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वन शॉट का वीडियो अपलोड होना अभी बाकी है। वन शॉट में पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, वन शॉट में पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट, और एट लास्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको अपलोडेड वीडियो मिलेगा। आपको इस बार मैथमेटिक्स में 100 में 99 नंबर तक या 100 में 100 भी टच कर देना है। इतनी मेहनत, इतना ज्यादा मेहनत करना है, यानी नया जोश, नया जुनून और नया सफर बनना है तुम्हें बिहार टॉपर, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ फर्स्ट लेसन का फॉर्मूला दिखेगा क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट लेसन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a = bq + r। ये कुछ होता नहीं है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब समझिए, भाग की जाँच करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको a = bq + r कहते हैं। यानी a = bq + r में यहाँ देख लीजिएगा, ए को भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को भागफल और आर को बोलते हैं शेष पर। इसका उपयोग करके हम लोग HCF निकालते हैं। क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, भाग देते जाते हैं और लास्ट में जब कट जाता है तो जिससे भाग देते हैं वो HCF हो जाता है। इस ये पूछता है कि इनमें से कौन सा यूक्लिड के लिए सत्य है, तो ये याद रखिएगा, 0 बड़ा और बराबर है R से और R से बड़ा है B। ये कई बार पूछता है, इस पर हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे। यहां समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है HCF × LCM, यानी दो संख्या को गुणा कीजिएगा या फिर उसी दो संख्या का लघुत्तम निकालिए LCM और उसी का HCF निकालिए, वो दोनों को गुणा कर दीजिए या फिर डायरेक्ट संख्या को गुणा कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ देखिए, शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे, तो देखिए कोई भी बट्टा वाला नंबर अगर है नीचे, यानी कि हर के स्थान पर 2m और 5n, यानी नीचे वाले स्थान पर अगर 2 आ जा रहा है या 5 आ जा रहा है या दोनों आ जा रहा है तो समझिएगा कि वो शांत है। क्या है, शांत है। अब जैसे 8 को कटाइएगा, तो जब 8 को हम लोग कटाएंगे तो यहां से कटाएंगे 2 × 8, फिर कटाएंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 कितना बार है, 3 बार, तो यानी कि 2/2 × 3 है, नीचे 2 आया कि नहीं, तो शांत है। जब नीचे 2 और 5 कुछ भी आ जाए या फिर दोनों आ जाए तो शांत है, और नीचे अगर दूसरा अंक आ रहा है तो वो अशांत है। शांत का यही रूल है, नीचे 2 और 5 आना चाहिए। समझते चलिएगा, यहां देखिए, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या पूछता है कि इनमें से कौन रूढ़ संख्या है, तो अभाज्य ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, एक तो खुद अपने से कटे और एक से कटे, यानी सिर्फ 2 आदमी का बात सुने। जैसे देखिए, 2 सिर्फ एगो 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में कटता है, 3 सिर्फ 1 के पहाड़ा में आता है, आई खुद अपने एक 3 के पहाड़ा में आता है, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 आदमी से कटे यानी 2 संख्याओं से कटे उसे हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। बड़ी रूढ़ है, सिर्फ 2 आदमी का बात मानता है, एक तो खुद अपना बात मानेगा और एक का बात मानता है, उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक पूछता है, भाज्य के जगह पे यौगिक पूछता है, तो यौगिक के लिए भी याद रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा आदमी का बात सुने, यानी कि 1 से तो कटता ही है, 4 से भी कटता है, लेकिन ये 2 के पहाड़ा में भी आता है 4, तो 2 से ज्यादा अंकों से कटे तो उसे यौगिक, सिर्फ 2 आदमी का बात सुने। जैसे कि आप लोग अपना बात सुनते हैं, एक मम्मी पापा का बात सुनते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग रूढ़ हैं, बड़ी कठोर है ना जी। ऐसे ही अपरिमेय की पहचान, अगर कोई भी संख्या रूट में दिया हो, इधर क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे ही दिया है, पहचान क्या है, अगर वो रूट में है तो समझ जाइए अपरिमेय है, अगर वो रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय है, सिंपल। तो ये अपरिमेय की पहचान है, और ये भी अपरिमेय है, अगर पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आ रहा है और कभी नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है, अशांत है। शांत का मतलब रुक जाना, अशांत मतलब आगे नंबर बढ़ते जाएगा, और क्या होगा, पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या है, वो अशांत है, और शांत मतलब रुक जाना होता है, और ऊपर भी शांत का मतलब बता दिए। अब अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए तो इधर देखिए, अब फॉर्मूला कैसे, 2 लगातार संख्याओं का मौसा निकालें, कोई भी 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होता है, 2014 और 15 में पूछा गया है, तो लगातार कोई भी संख्या लेके निकाल के देख लीजिए मौसा, मौसा अभी तो बताया है, मौसा माने HCF, HCF निकाल के देख लीजिए भाग विधि द्वारा, तो कोई भी, चलिए 2 और 3 लगातार है कि नहीं, 2 और 3 से भाग दीजिए, 2 × 1 = 2, 1 बचेगा, फिर इधर घेरिए, और जब ऐसे घेरते हैं तो यही वाला उतारते हैं, ठीक है, फिर ये भाग दीजिएगा 1 बार में, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और इधर वाला को हम लोग HCF कहते हैं। तो लगातार 2 संख्या है, 2 के बाद 3 है, का HCF कितना निकला, ये HCF होता है, HCF, ये HCF 1 होता है, याद रखिएगा, कोई भी लगातार हो, आप अगर 5 और 6 भी लीजिएगा ना, ऐसे भाग विधि द्वारा HCF निकालिएगा तो भी 1 आएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा ना, 1, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, आखिरकार ये वाला आंसर HCF होता है। ये वाला भाग का
का आंसर है इधर वाला, लेकिन HCF का आंसर बाबू इधर वाला होता है। तो कोई भी लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है, ये आप याद रख लीजिए, क्या होता है, 1 होता है। लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक, अब बोलो ये दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब ही लगातार होता है, ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है। तो क्रमिक लगातार, वो भी लगातार होना चाहिए लेकिन सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, जो जिसका जोड़ा लग जाए या जो दो के पहाड़ा में है। तो लगातार कोई भी सम संख्या ले लो जिसका जोड़ा लग जाए, तो चलिए ना, चार के बाद क्या होता है, छः, ये दोनों है कि नहीं, चाहे छः के बाद क्या होता है, आठ, ये लगातार सम संख्या है, इसका HCF क्या होता है। तो एक बार भाग विधि द्वारा HCF निकालिए, बड़ा वाला अंदर छोटा वाला बाहर, चार एकम चार, दो बचेगा, यहाँ पे कटाइएगा तो ये वाला उतर जाता है, दो दूना चार, कट गया ना, जब पूरा कट जाता है ना तो ये वाला HCF होता है। तो यहाँ देखिए, दो लगातार सम संख्या कोई भी ले लीजिएगा तो उसका HCF कितना होगा, HCF आएगा दो, ये याद रखिए, इसका हमेशा आता है एक, इसका हमेशा आता है दो, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में ये वैल्यू भर के और क्यू का मान निकाल लेना है। तो ए बराबर 37 भर दीजिए और बी बराबर भर दीजिए 4, क्यू नहीं पता है छोड़ दीजिए, और प्लस आर बराबर 1 है, बस यहाँ क्यू का मान निकाल लेना है, सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस में इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इधर जब लाइएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 37 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ 4 क्यू बचा, चार से कटाइएगा, चार नवा 36, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसको आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इस पर है, देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल पर है, यानी दो संख्या कोई है इसका गुणा कीजिएगा, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो दो संख्याओं का मसा, मसा को एचसीएफ बोलते हैं, मसा कितना है 27, भर दीजिए इसके जगह पर 27 इंटू इसका लसा, लसा माने एलसीएम 162। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 54 हो, एक संख्या, दो गो संख्या का गुणनफल यहाँ है ना, तो एक संख्या कोई 54 हो और दूसरा संख्या पते ना है कि क्या है, तो दूसरा संख्या को कुछ नहीं पता है तो x मान लीजिए, वही निकालना है दूसरी संख्या क्या होगी, कटाइए इसको, 27 दुना कितना होता है 54 हो जाता है, फिर दो से कटाइएगा ये, तो दो अट्ठे 16, दो एकम दो, यहाँ x बराबर क्या बचा 81, वही तो दूसरी संख्या निकालना था, एक दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 81। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवृत्ति होगा, कोई नहीं होगा। तो बताए थे ना, शांत के लिए एक ही गोरूल है, अगर नीचे दो या पांच आ जाता है तो वो शांत है। चलिए 15 को, नीचे वाले को, हर को कटाते हैं, तो जब 15 को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5, जब नीचे क्या आया 3 और 5 आएगा, 15 को तोड़े हैं तो 6 बटा 15 को तोड़े हैं तो 3 और 5 है, लो भाई मामला तो फंस गया, सिर्फ या तो 2 आना चाहिए नहीं तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला फंस गया, फंसा कुछ नहीं है, 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2/5 आ गया कि नहीं, रूल के अकॉर्डिंग हर में क्या आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए, 2 या 5, तो 5 आ गया कि नहीं, हर, नीचे वाले को हर यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है, ये वाला क्या हो जाएगा, शांत है। ठीक है, और हर बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न है बाबू, वो दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, इसको भिन्न में बदलना है, बट्टा में बदलने के लिए हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है बट्टा में। तो यहां तक आप तो समझ गए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर ऊपर वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, यहां बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिए ये हो गया आपका, आपका क्या है यहाँ पे, इसको बट्टा में बदलना है। तो आप बताइए कि जब आप 2.3 लिखते हैं, हम बोले कि इसको बट्टा में बदलिए, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, जितना अंक होता है उतना जीरो बैठा देते हैं और एक लिख देते हैं, यानी 23/10, भिन्न का मतलब होता है बट्टा में बदल जाना। ठीक है, अगर 3.4 हो तो पॉइंट हटाते हैं, जितना अंक होता है, अगर यहाँ पे 2 अंक होता तो 2 जीरो बैठाते, फिर एक तो हो जाता 342/100। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ अलग ही है, क्या मामला यहाँ पे है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नहीं हटाना है, ये बार वाला रिकरिंग भी हटाना है। तो आप देखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा जीरो की तरह दिख रहा है, पॉइंट जीरो की तरह, आई एक की तरह दिख रहा है एक, तो जीरो आई एक ऐसे खींचेगा तो 9 बन रहा है कि नहीं, 9 बन रहा है ना। तो उस हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे 31 पर ऐसे रेकरिंग दिया है, तो ये और ये हटाइएगा तो 2 अंक है ना, तो 2×9 आएगा, याद रखिएगा। अगर 0.345 ऐसे हो और 3 अंक पर हो, तो ये दोनों मिलके तो 9 बनता है, लेकिन कितना पर है, 3 अंक पर है, तो हटाने के बाद से ये क्या बनता है, 3×9 नीचे आएगा, याद रखिएगा। लाइन और जीरो मिल करके क्या बना है, लाइन और जीरो ये मिल करके 9 बनता है, एक लाइन खींच दो एक जीरो लगा दो तो 9 बना कि नहीं, तो वही बात है, पॉइंट एक जीरो की तरह है और लाइन एक 1 की तरह है, तो यही चीज आपको याद रखना है कि 9 नीचे आएगा। लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन कुछ अलग है,
यहाँ थ्री पॉइंट ऐसे वन पर सिर्फ रेकरिंग है, अब का कीजिएगा, ठीक है। इसका मत इस देखिए दोनों पर ऐसे रेकरिंग रहता तब ना दोनों हटाएंगे तो यहाँ दो गो नौ बैठाएंगे, ठीक है, लेकिन एक पर तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उपाय है, सबसे पहले पूरा नंबर लिख लीजिए 31 पूरा लिख दिए, उसके बाद से जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर देते हैं। अब बट नीचे लगाना है तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो नौ, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इस पर जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसका मतलब जीरो हो जाता है। अब ये हो जाएगा 31 में से 3 जाएगा तो बचेगा 29, 29 30 31 हो जाएगा, नहीं 29 नहीं 28, और ये हो जाएगा 90, 28/90 इसका आंसर हो गया। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ दे ऐसे थ्री ऐसे दे दे 0.234 चार पर एक नहीं लगा दे तो क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा 0.2 सबसे पहले पूरा अंक लिख दीजिएगा 23 इतना, उसमें से कितना घटेगा जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घटा लिया जाता है, और बट्टा इसमें इस पर रेकरिंग है तो 9, इस पर नहीं है तो 2 गो 0। अब इसमें से घटा लीजिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 2, अब बट्टा में 900, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये कई बार पूछता है। और ये बताइए इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रूट वाला तो ये भी अपरिमेय है क्योंकि रूट में है, ये भी अपरिमेय, ये भी रूट में है, ये भी रूट कट के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रह जाएगा, तो ये एगो बच गया, तो ये भी तो रूटे में दिख रहा है ना, तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन नहीं ये परिमेय है। देखिए कैसे है, यहाँ समझिए रूट 12 बटा रूट 3, जब 12 को आप तोड़िएगा तो हो सकता है कि नहीं रूट 3 गुणे रूट 4, 3 चौका 12 हो जाएगा, और नीचे क्या है रूट 3 है, रूट 3 से रूट 3 खत्म, बच गया क्या रूट 4, और रूट 4 का तो वर्गमूल होता है, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ये वाला एक परिमेय है जो रूट से बाहर निकल जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपका पूरा का पूरा वन लेसन से बस इतना ही क्वेश्चन रहता है। तो बिना देर किए हम लोग सेकंड लेसन देखते हैं, चैप्टर 2 का पूरा फॉर्मूला और इससे बनने वाले पूरे ऑब्जेक्टिव यहां पे मस्ट वीवीआई, इससे हट के आपके एग्जाम में कुछ नहीं होगा। नया जोश और नया जुनून और नया सफर रखिए और बनिए इस बार बिहार टॉपर। यहां देखिए कैसे पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां अवेलेबल है, अगर एक बार समझ जाते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे, आप पढ़ रहे हैं बहुपद, बहुपद माने बहुत सारा पद जिसमें एक्स भी हो नंबर भी हो, ठीक है, और एक्स के साथ दोनों मिला के नंबर हो उसे बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद हम लोग को पढ़ना है, घात मतलब होता है पावर, जिसका पावर यानी सबसे ज्यादा पावर अगर दुगो हो रहा है तो उसे द्विघात कहते हैं, अगर सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, देखिए पावर 2 भी है और पावर 3 भी है तो ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि बड़ा वाले का वैल्यू दिया जाता है, हमेशा बड़ा वाले के नाम से ही इसको पुकारा जाएगा। कभी-कभी आप एक चीज देखे होंगे कि जब आपकी कोई मम्मी को बुलाता है तो उनके जो भी आप लोगों में बड़े बड़ा आदमी होगा, जो बड़ा भाई होगा या बड़ी बहन होगी, उसके नाम से उसकी मम्मी को बुलाया जाता है, ऐसा होता है ना, तो उसी तरह इसमें जो बड़ा है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। घात कितना है, पावर यानी घात होता है, घात 3 है तो त्रिघात हो गया, घात 2 है तो द्विघात हो गया। एक और बात आपको बता दें, जितना घात होता है ना उतना ही शून्यक होता है, याद रखिएगा जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, या फिर इसको मूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं मूल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात में घात 2 तो शून्यक भी 2 होता है, या त्रिघात में कितने शून्यक, तो घात 3 हो गया, पावर 3, तो मूल या फिर शून्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। यहां देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी घात का मतलब क्या होता है पावर, तो अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो जब बाबू पावर 1 छिपा रहता है तो इसके शून्यक भी 1 होगा और मूल भी 1 होगा, शून्य का मतलब होता है x का मान, तो यहां पे x का मान कितना होगा 1 ही निकलेगा, अगर जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, इसको x का मान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं x का मान, ये तीनों एक के चीज है, मूल बोले तब वो शून्यक निकालिएगा, x का मान निकालेगा, निकालते x के मान ही है और बोलते हैं उसको शून्यक या फिर मूल। द्विघात बहुपद में घातों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या 3 होती है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ऑब्जेक्टिव कहां से पूछता है, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा लेकिन एक्स के पहले वाला ए होता है, इसके पहले वाला बी और इसके पहले वाला सी, ये रट लीजिए बाबू कि 3 गो टर्म है ना, तो पहला वाला में ए छिपा रहता है, दूसरा वाला में बी रहता है, तीसरा वाला में सी, 1 2 3 4 हिस्सा है ना, तो पहला वाला में ए, दूसरा वाला में बी, तीसरा वाला में सी, लास्ट में एक्स नहीं होता है डी हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए द्विघात का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्य अल्फा और बीटा को भी यही कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं अल्फा और बीटा,
ठीक है। अब कहिएगा सर अल्फा बीटा दुइये को काहे नाम दिए हैं, तो समझिएगा एक्स का मान अगर दो को निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कितना है, पावर दो है, घात दो है, तो एक्स का मान कितना निकलेगा, दो। इसीलिए दो ही ठो, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव करा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। याद करने का ट्रिक क्या है, तो दोनों में लगा दीजिएगा नीचे ए, ए के बाद क्या होता है बी, उसके बाद क्या होता है सी, फर्स्ट वाला में माइनस हो जाता है, यानी बी बाई ए और सी बाई ए, दोनों में ए है, ए के बाद बी है और दूसरे वाले में सी है। तो यहां देखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद में कितना घात होगा, तीन होगा, या फिर शून्य कितना होगा, तीन होगा, मूल कितना निकलेगा, तीन निकलेगा, तो इसमें x का मान भी तीन को निकलेगा, क्योंकि x कितना बार है, तीन बार, तो दो बार रहता है तब ना अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन तीन बार है तो अल्फा बीटा आएगो हो जाता है गामा, तीन तो हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, प्लस वाला था तो माइनस बी बाई ए, तो इसमें भी प्लस वाला है तो बी माइनस बी बाई ए, सेम कट सेम हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला में इंटू होता है, बाबू अल्फा इंटू बीटा लिखो चाहे अल्फा इंटू बीटा लिखो, ये दोनों चीज एक है, इसको भी इंटू बोलते हैं। तो यहां देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो यहां भी अल्फा इंटू बीटा पहला वाला इंटू ही ना है, दुए गो ना है पहले, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इस सी बाई ए होता है, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला आसान होता है। लेकिन जब तीनों साथ में इंटू हो तो एगो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो होता है माइनस डी बाई ए। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो यहां समझिएगा इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले ए डाल देना है तीनों जगह, उसके बाद से माइनस बी सी डी, दो जगह माइनस रहेगा, ए के बाद क्या होता है बी सी डी, तो ए लिख दीजिएगा फर्स्ट वाले में माइनस सेकंड वाले में माइनस, ठीक है, बी सी डी। तो यही आपका फॉर्मूला है पूरा का पूरा। इस पर आते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखने। यहां देखिए फर्स्ट नंबर, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है कितनी होती है, तो जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दो होती है, ठीक, पहले का आंसर हो गया। दूसरे का देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किससे बना है व्यापक रूप, तो यहाँ देखिए तो त्रिघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप यही है, पर x के साइड में a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है, लास्ट में कुछ नहीं तो d होता है, ये याद रखिएगा, लाइन से a b c d। तो देखिए तो इसमें मैच कर रहा है कोई त्रिघात बहुपद में, ए एक्स के पावर तीन, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स और डी, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ भी कुछ दिया है, तीन तो यहां भी है ना, लेकिन इसके बाद से क्या है, चार है, जबकि बहुपद का रूल है कि ये लाइन से सजा होना चाहिए, अगर पावर तीन है ना तो उसके पावर में फिर उसके बाद दो होना चाहिए, फिर पावर एक होना चाहिए, फिर उसके बाद से कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो तीन पावर है, दो पावर है, एक वो एक्स है, उसके बाद से कोई एक्स नहीं है, तो ये त्रिघात बहुपद सी इज अ राइट आंसर। अब थोड़ा सा एक और बेसिक छूट गया है, कैसे पहचाने हैं कि बहुपद है या नहीं है, तो देखिए सभी नियम x के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, x के लिए, अगर कभी x माइनस में देखिए तो बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं होगा। देखिए जिस तरह समाज में सभी नियम औरतों के लिए लगता है ना, कि ज्यादा मुंह फाड़ के मत हंसो, ऐसा होता है कि नहीं बाबू, उसके बाद से अलग अलग प्रकार का, बाहर नहीं जाना है, इधर नहीं घूमना है, ऐसे कपड़ा नहीं पहना है, सभी नियम औरतों लड़कियों के लिए लगता है, वैसे ही यहाँ भी है, सभी नियम एक्स के लिए लगता है। एक्स कभी माइनस में नहीं हो सकता है, एक्स कभी बट्टा में नहीं हो सकता है पावर, एक्स कभी रूट में नहीं हो सकता है, एक्स कभी बट्टा के नीचे नहीं हो सकता है। अगर ये चीज कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइएगा वो बहुपद नहीं है। तो चलिए ना इसमें देखिए ना कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ देखिए एक्स यहाँ पे ठीक है, सही सलामत है, यहां भी बेचारा रूट से बच गया है, ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां गड़बड़ हो गया है, एक्स बट्टा में आ गया, अभी बोले कि एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो यही आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, सी इज अ राइट आंसर। अब बोल रहा है बहुपद इतना का शून्यक निकालिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का शून्यक मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो आपके एग्जाम में आएगा आएगा, एकदम आना है, लिख के रख लीजिए, हम कह रहे हैं ना आएगा। यहां देखिए इसका शून्यक निकालना है, तो जब मान लीजिए शून्यक निकालना है तो आपसे बताया तो कितना शून्यक होगा, जितना पावर होता है उतना ही शून्यक ना होगा, ठीक है, आपसे बोले थे कि जितना पावर उतना शून्यक, अगर यहां पावर तीन रहता तो तीन बार शून्यक निकलता, यानी एक्स का मान तीन गो होता, ठीक है, एक्स के मान को ही शून्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां दो गो है तो एक्स का मान दो ठो निकलेगा, तो इसको बनाना पड़ेगा, तो शून्यक निकालना है। यहां देखिएगा, यहां पे आपको ये चीज देखना है, देखिए
ये क्या है क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो करो, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x स्क्वायर बराबर प्लस में हो जाएगा नौ, स्क्वायर जब भी बराबर उधर कूद करके जाएगा फान करके तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस लेके जाता है, स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस लेके जाता है नाइन। अब बताइए एक्स बराबर प्लस माइनस नौ का वर्गमूल होता है तीन, होता है ना, अब एक बार प्लस में तीन लिख दीजिए, प्लस में तीन और एक बार लिख दीजिए माइनस में तीन, यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी नौ को हटा के पंद्रह दे देता है, चार दे देगा, पांच दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो यही काम करना है जब भी स्क्वायर को भेजिएगा। अब बताइए एक्स का मान दो आया कि नहीं, तो दो गया, इसमें ऑप्शन देखिए तो कौन सा है, तो यहां पर यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी इज अ राइट आंसर, सिंपल। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, ये पूरा का पूरा बहुपद दे दिया है, इसका शून्यक ए और बी है, शून्य क्या है ए और बी, हम लोग शून्य क्या बोलते हैं अल्फा बीटा मान रहे थे ना, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा का मतलब कुछ होना होता है, ठीक, कुछ भी हो जाएगा, एक्स वाई दे देगा, अल्फा बीटा दे देगा, मतलब पावर दो है तो शून्य तो दो ही होना होगा, तो बोला है ए बी का मान निकालें, ए बी यानी इसको अगर अल्फा बोलो इसको बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कुछ नहीं होता है तो गुणाशी पर आता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है c बाई ए, इसमें c कौन है देखो तो इसमें c हो जाएगा यहां पे पांच, ए कौन है ए यहां फर्स्ट वाला में होता है ना, देखिए तो द्विघात में फर्स्ट वाला में ये होता है और यहां कोई नंबर है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो कुछ मत लिखो सिंपल, तो खाली पांच हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा पांच, तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सा है ए इज अ राइट आंसर, ये अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां देखिए यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, यानी कि द्विघात वाला बहुपद है ना, घात कितना है दो ठो है, और इसका दोनों तो एक्स का मान कितना आएगा दो ठो आएगा, तो बोला इसका मान निकालिए, मस्ट भी आई है इस बार, ये भी आने वाला है, इसको रट लीजिएगा, इसका मान निकालना है तो सिंपल है ना, बट्टा का इसको जोड़ कर दो, आओ यहीं पर करते हैं, क्या है बाबू, तो यहां देखिए वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा प्लस अल्फा बट्टा का जोड़ किए हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ए से ए खत्म तो माइनस बी बाई सी बचा ना, माइनस बी बाई सी, अब सिंपल है ना, माइनस है तो माइनस दे दो, बी का मान देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ए होता है यहाँ बी होता है कि नहीं, यहाँ देखो ए होता है बी होता है, वैसे बी का मान है दो, हो गया दो, और सी देखो यहाँ हो गया ए बी सी कितना है सी थ्री है, तो यहां हो जाएगा थ्री, तो माइनस टू बाई थ्री आंसर हो गया, तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर माइनस टू बाई थ्री, तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको सबको कमेंट में भी बताना है बाबू कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हर बार पूछता है इस बार भी पूछेगा और पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद भी हो जाएगा और इससे जुड़े क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। अगर बहुत ही मजेदार लगा हो ना तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ देखो यहां पे बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग, माने दो ठो मूल है उसका योग, जैसे इसको मूल बोलते हैं, अल्फा को भी मूल कहेंगे, बीटा को भी मूल कहेंगे या शून्य कहेंगे, इसका योग, योग का मतलब इसे जोड़ देना है, तो जोड़ा गया है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये दे दिया है, कितना दे दिया है यहां देखिए, मूलों का योग हो गया एक ठो दिया है दो और एक ठो दिया है माइनस में पंद्रह, तो बोला है कि बताइए ये तो आंसर दिया है ना, तो किस क्वेश्चन का आंसर है बाबू, तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी पहला वाला योग है, पहला वाला क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है दो दे दिया है, और दे दिया है अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल कितना दे दिया है माइनस पंद्रह, एक फॉर्मूला छूट गया है, द्विघात समीकरण अगर निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है क्योंकि द्विघात में दो घात है कि नहीं, तो यहां पे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है दो ठो दिया है तो दो हो जाएगा एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा यहां पे भर दीजिएगा माइनस में पंद्रह तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस पंद्रह तो ये वाला आपका आंसर हो गया यानी देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा डी इज अ राइट आंसर सिंपल।
अब यहाँ क्वेश्चन आठ नंबर देखिए, आठ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन निकाला गया है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो x का मान कितना आएगा, दो ठो आएगा, लेकिन कह क्या रहा है कि जो भी इसका x का मान यानी शून्य निकल रहा है वो एक दूसरे के उल्टा है। व्युत्कर्म माने क्या होता है, उल्टा है। अगर मान लीजिए कि एगो एक्स का वैल्यू अगर एक आ रहा है, चाहे एगो एक्स का वैल्यू अगर पांच आ रहा है, तो दूसरा अगर एक्स का वैल्यू आएगा ना तो एक बटा पांच आएगा, माने जो आएगा उसका उल्टा आएगा, समझिएगा। तो अगर व्युत्क्रम है तो बी का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। अरे तो घबराना नहीं है, यहां देखो, यहीं पे, यहां पे थोड़ा सा रफ के लिए जगह है। क्या बोला है, दो ठो शून्यक होता है, एक दूसरे के उल्टा है। चलो उल्टा करते हैं, अगर एक ठो एक्स का मान ए आ रहा है, चाहे कुछ भी मान लीजिए, ए वन टू भी मानिएगा तब वही आंसर होगा। आप कहेंगे तो हम मान लेंगे यहाँ पे फाइव पे, कुछ भी मान लीजिए मन में जो नंबर ले दिखे, और ए गो एक्स का मान इसी का उल्टा वन बाई फाइव आ रहा है, ठीक, इसी का उल्टा हो गया कि नहीं। उसके बाद से बोला है बी का मान निकालिए, यानी इसका मान निकालना है। आप बताइए कि यहाँ होता है ए, होता है ना, या उसके बाद बी, लास्ट में क्या होता है सी, तो इसका मान निकालना है जो यहाँ पे सी हुआ करता था, भले गलती से नहीं क्वेश्चन में यहाँ बी डाल दिया है, घबराना नहीं है। आप बताइए सी किस फॉर्मूला में आता है, अल्फा प्लस बीटा वाला में आता है कि अल्फा इंटू बीटा वाला में सी आता है, ये लास्ट वाला किस में आता है, तो सी आता है अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। यहाँ देखिए, एगो अल्फा फर्स्ट वाले का मान मान लो कि पाँच, अपने से माने कुछ भी, और इसका मान एगो हो गया वन बट्टा पाँच, अब बराबर सी, यहाँ ए बी सी का मान कितना है, माइनस में बी है, यही ना सी के जगह पे, आ ए का मान कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं भरो, एक का भरोगे, नीचे एक भर रहता है, पाँच से पाँच कट जाएगा, माइनस यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा वन, ये माइनस इधर लिखा जाता है, यानी बी बराबर माइनस वन, कुछ भी लिख करके बना सकते हैं, तो बी बराबर माइनस वन ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा पूरा का, बहुत ही शानदार लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर बिना देर के हम लोग थर्ड लेसन देखते हैं। अब यहाँ थ्री लेसन में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन इसमें ये जो आपका पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो डेटा हम यहाँ आपको जो भी दिख रहा है बोर्ड पे, अगर एक बार समझ जाते हैं तो थ्री लेसन का कहानी खत्म। लेकिन आपको एक चीज़ बता दे बाबू, कि इसमें से पाँच नंबर का ग्राफ पूछता है, और ग्राफ सबको आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पूरे किताब में सबसे आसान पाँच नंबर अगर प्राप्त करना है तो वो है ग्राफ। वैसे भारी कोई नहीं है, लेकिन ग्राफ सबसे आसान है, ठीक है। उससे पहले ये इसी में ग्राफ आता है, तीन लेसन में ही ग्राफ आता है, लेकिन अगर एक बार ये डेटा दिमाग में लोड हो गया ना, ठीक है, तो समझिए कि पूरा का पूरा इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपसे बन जाएगा। देखिए यहां लोड करके जाइए, कुछ ले जाने से चीट पुर्जा फायदा नहीं है। ये अच्छा एग्जाम में जाता क्या है, एडमिट कार्ड पेन और दिमाग, तो इसमें लोड कीजिए, इस मेमोरी में हम लोग को लोड कराना है। तो यहां देखिए, इसको अच्छा से समझिएगा, एक फॉर्मूला एक ही है, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि है, तो वो निकाला जाता है एक के स्थान पर दूसरे वैल्यू भर करके, लेकिन वज्र गुणन का ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला का एक ट्रिक है जो बहुत ही आसान है, वो हम बता देंगे। सबसे पहले इस डेटा को समझिए, रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हमेशा दो गो समीकरण आएगा, क्योंकि युग्म माने होता है जोड़ा, और जोड़ा अकेले नहीं बनता है, दो आदमी के मिलने से जोड़ा बनता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी समीकरण दिया रहेगा तो दो समीकरण दिया रहेगा, यहां समीकरण लिख दिया गया है, यहां देखिए समीकरण को क्या किया गया है, लिख दिया गया है समीकरण को। समीकरण होता क्या है समझिएगा, ऐसे लिखा रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये रैखिक समीकरण है, बताइए पावर एक है कि नहीं, सब पर पावर एक है कि, तो रैखिक समीकरण है, युग्म माने जोड़ा, तो एगो नहीं दो गो लिखा रहेगा, ये दो गो लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा बी वाई और सी। अब जब दो गो लिखा रहेगा तो हम बोलेंगे ए का मान बताइए, तो आप कहेगा ये नहीं तो ये, इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक नंबर में ऊपर वाला है तो सब में एक डाल देते हैं, और ये दो नंबर है तो इसमें क्या डाल देते हैं, दो डाल देते हैं, तो ये हो जाता है ए वन, ये हो जाता है ए टू। तो पहला समीकरण एक नंबर पे है, समीकरण एक है ना, तो सब में एक डाल दिए हैं, ये दो नंबर समीकरण है तो दो डाल दिए, इतना आप दोनों समीकरण समझ गए कि ये क्या होता है। अब आते हैं डेटा के तरफ, जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा तो हमेशा दो समीकरण देखने को मिलेगा, यहाँ आपको दो वो समीकरण लिख दिए, एक समीकरण यहाँ पे है ऊपर वाला, और एक समय यहाँ है 2x प्लस 3y प्लस 3, और इसके पास है 3x प्लस 4y प्लस 4, यहाँ दिया है ना, पहला वाला a1 होता है, दूसरा वाला क्या होता है a2 होता है, a1 a2। अब समीकरण कहता क्या है, अगर a1 बटा a2 यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला हिस्सा जो दो और तीन है ना, ए वन है दो और ए टू है तीन, तो ये वाला दोनों ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के, मतलब ए वन कितना है दो,
A2 कितना है? 3। यहाँ देखिए B1 कितना है? 3। B2 कितना है? 4। बताइए ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। तो जब बराबर पहला वाला ही नहीं होता है, याद रखिएगा A1 A2 B1 B2 के ये बराबर नहीं हुआ, तो उसका चित्र होगा लाइन। जब भी ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ, वो तो हम खींचना बता देंगे, वो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं हुआ तो डायरेक्ट बिना बनाए, बिना ग्राफ बनाए समझिएगा, ये बराबर नहीं हुआ तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और जब ये प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो उसका एक हल होता है। इसको हम लोग एक हल भी बोलते हैं। एक ट्रिक आपको बताएं, एक हल पहचानने का तरीका समझिएगा। देखिए ये कितना जगह काटा है, ऐसे हुआ है तो एक जगह काटा है ना, तो एक जगह काटेगा तो एक हल। अब बताइए अगर ऐसे हम कर दें और इसी पर एक, इसके ऊपर एक और लाइन चला दे, तो बोलेंगे कि बताइए कि पहला लाइन दूसरे लाइन को कितना बार काटी है। तो एक वो लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो हर जगह सटी है ना, कई जगह, करोड़ों जगह ऐसे सटी हुई है। तो जितना जगह एक लाइन दूसरे लाइन में सटता है उतना हल होता है। तो बताइए यहाँ तो एक ही जगह सटा है, लेकिन लास्ट वाले में देखिए यहाँ से एक दिख रहा होगा ब्लैक और एक और यहाँ पे कलर डाल दो ग्रीन कलर का, ठीक। तो एक लाइन अगर दूसरे लाइन पर है तो उसका अनेक हल होता है, क्योंकि जितना जगह सटता है ना उतना हल होता है। आपसे बोल दें कि एक लाइन है ऐसे है, बताइए कितना हल होगा? तो एक जगह सटा है, दो जगह सटा है, तीन जगह, तो इसका तीन हल हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, टू लेसन में इसी टाइप का कुछ था। तो याद यही रखना है कि जितना जगह सटता है, आप बताइए ये वाला लाइन दिख रहा है कितना जगह दोनों लाइन एक दूसरे पर सटा है? एक भी जगह नहीं सटा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, सिंपल। तो यहां देखिए जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता है, ट्रिक समझिएगा, बराबर नहीं होता है, तो पहली बार में ऐसे कट गया है कि नहीं? तो जब पहली बार में ऐसे कट गया है तो कटा हुआ हो जाएगा प्रतिच्छेदी, यानी कि इसका एक हल होगा, क्योंकि एक जगह कटा है। स्टार्टिंग में कितना जगह कटा है? एक जगह। और उसे कहते हैं हम लोग अविरोधी, और एक और कहते हैं संगत। अब संगत क्या होता है समझिएगा, बताइए कभी ना कभी एक जगह लाइन ये साथ में है कि नहीं? अरे एक बार भी मिलन हुआ है ना तो काफी है ना, तो संगत है। एक जगह अभी साथ है तो संगत है। बताइए एक भी जगह मिला है? नहीं मिला है, तो ये असंगत हो जाएगा। आ ये तो शुरू से मिला है, एक लाइन है आ इसी के ऊपर एक और लाइन है, तो दोनों लाइन शुरू से मिला है तो ये भी संगत होगा। तो संगत में अगर मिला है कभी ना कभी तो वो संगत होता है। तो ये दोनों का हो जाएगा संगत, आई कभी नहीं मिला है तो असंगत। ऊपर वाला जो संगत होता है याद रखिएगा वो अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी, याद कर लीजिए, जो संगत होता है वो अविरोधी। तो आपको क्वेश्चन नहीं देगा, डायरेक्ट इस तरह से देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, आप पूछेगा कि ये क्वेश्चन संगत है कि असंगत है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन बना रहे हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2, पहला वाला बराबर नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, तो कटा हुआ आंसर, और एक को जगह मिला है ना तो संगत होगा, या फिर उसे क्या बोलते हैं? अविरोधी। यहां देखिए अगर A1 बटा A2 मतलब कि 2/4, उसके बाद से 4/8, A1 बटा A2 और B1 बटा B2, ये दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है। देखिए यहाँ पे 2 × 4 और 4 × 8, इधर में नीचे 2 आया, 1/2, दोनों बराबर है कि नहीं? तो जब दोनों ये बराबर है और तीसरा बराबर नहीं हो तब वो लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। ट्रिक समझिएगा क्या होता है, ये तो कट गया तो प्रतिच्छेदी, इसमें पहला वाला ऐसे बराबर होता है तो इसमें भी ये आपस में लाइन क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। और समानांतर होगा तो एक भी जगह नहीं कटा, और नहीं कटा तो कोई हल नहीं, और ये विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। तीसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर समीकरण दिया हो और A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा तीनों आपस में बराबर हो तो लाइन संपाती होता है। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन हो, उसे क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। तो बताइए ये कितना जगह सटा है? दूगो लाइन, ये तो कई जगह सटा है तो एक ऊपर एक है ही, तो अनेक हल हो जाए, अनेक जगह सटा है। और ये संगत है क्योंकि साथे में है, ठीक है, आश्रित है, एक दूसरे पर है, ठीक है, अविरोधी होता है। जो संगत होता है वो अविरोधी भी होता है। यहाँ देख लीजिए A1 बटा A2 यानी 2/4, B1 बटा B2 यानी 4/8, C1 बटा C2 यानी 3/6, 2 × 4, 4 × 8, 3 × 6, सब बराबर आया कि नहीं? तीनों, तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये तीनों अगर बराबर है तो बराबर होगा तो क्या होगा? संपाती। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर होंगी उसे संपाती कहते हैं, उसे संगत कहते हैं, आश्रित कहते हैं, विरोधी कहते हैं। तो समझ में आया हो तो एक बार लाइक के बटन को दबाइए, डबल नहीं दबाना है, डिसलाइक हो जाता है, समझिएगा। यहां देखिए अब हमको ये पूरा अपडेट आप समझ गए कि नहीं, इसको बाद में समझाएंगे, अगर समझ गए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण निकाय, समीकरण दो ठो दिया है ना,
दो ठो यहाँ दे दिया। अब बोला है अनगिनत हल है, अनगिनत माने बहुत सारा हल है, अनगिनत यानी अनेक होता है, अनेक हल है। तो अनेक हल का रूल क्या होता है, ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू बराबर होना चाहिए। चलिए इसमें देखिए तो ए वन बटा ए टू कौन है, ए वन यहाँ पे ए इसको बोलते हैं तो एक हो जाएगा बट्टा, बी वन कितना है पाँच, ए वन ए टू हो जाएगा, बी वन यहाँ पे है दो, अब बी टू कितना है कुछ नहीं है के है, सी वन यहाँ पे तीन है और सी टू कितना है पंद्रह, तो ये तो तीन पचे पंद्रह हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, तीनों बराबर चाहिए तब जाके अनगिनत या अनेक हल होता है। तो अभी देखिए एक बट्टा पाँच आ गया, ये भी एक और ये भी पाँच आ गया, अब यहाँ कौन सा के जगह पे नंबर रखिएगा कि कटाने पर पाँच आ जाएगा, तो अगर आप दस रखते हैं ना तो पाँच दूना सॉरी दो पचे दस, नीचे तीनों जगह कहाँ जा रहा है पाँच, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तब जाकर के कौन हल होगा अनगिनत। तो यहाँ पे के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, दस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर सिंपल। यहाँ देखिए रैखिक समीकरण युग्म दो ठो समीकरण दे दिया गया है, अब बोल रहा है बताइए कि इसका कितना हल होगा। चलिए देखते हैं ए वन कितना है, ध्यान से देखिए ए वन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए वन लिखिएगा एक, ए टू कितना है तीन, बी वन कितना है दो, बी टू कितना है बारह, सी वन कितना है पाँच, सी टू कितना है दस, कटाइए इसको दो छक बारह पाँच दूना दस। यहाँ देखिए ए वन बट्टा ए टू एक बचा एक बटा छ है, ए वन बटा ए टू क्या बी वन बटा बी टू के बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो जब पहले वाला ही बराबर नहीं है तो यहाँ आइए, तो लाइन लग रहा है ना प्रतिच्छेदी है, काट दिया है तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका अद्वितीय हल या एक हल होता है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा, एक हल वाला होगा, क्योंकि इसमें यही होता है पहला वाला ही बराबर नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो चर में समझिएगा ध्यान से, यदि दो चर में दो समीकरण का हल समीकरणों का हल अनंत हो, समझिएगा दो समीकरण का हल अनंत हो, अनंत माने अनेक हल, इसको अनंत हल भी कहते हैं, अनंत हो अनेक हो अनगिनत हो अनंत हो, तो बताइए उसका आरेख कैसा होगा, समानांतर होगा ट्रेन के पटरी के जैसा कि एक दूसरे प्रतिच्छेद करेगा या फिर संपाती होगा। तो देखिए अनेक हल के लिए क्या होगा, जितना जगह कटेगा लाइन उतना हल होता है, तो ये बोला है अनंत हल हो करोड़ों हल हो, तो एक दूसरे पर लाइन सटा रहेगा तो करोड़ों जगह सटा है ना, वो तो पता ना है कि कितना जगह सटा है, तो ये क्या हो जाएगा संपाती होगा, क्या हो जाएगा अनेक हल के लिए संपाती होता है। तो यहाँ देखिए दोनों क्या होंगी आपस में संपाती होंगी, रैखिक समीकरण युग्म ये दोनों दे दिया है, अब बोला है बताइए विरोधी हो अविरोधी होगा, विरोधी होगा, तो विरोधी और अविरोधी का बताएं, जो संगत होता है, जो संगत होता है वो क्या होता है अविरोधी होता है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ए वन कितना है एक, ए टू कितना है दो, बी वन कितना है तीन, बी टू कितना है माइनस पाँच, सी वन कितना है चार, सी टू कितना है माइनस वन, ये दोनों माइनस में है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। बताइए ये दोनों कोई बराबर आ रहा है, ए वन बट्टा बी टू बी वन बट्टा बी टू के बराबर नहीं है, तो जब ये पहले वाला ही बराबर नहीं है तो क्या होगा, बराबर नहीं है ये वाला, तो ये इसमें आता है और ये लाइन प्रतिच्छेदी होती है, यानी कि इसमें एक हल या अद्वितीय हल होगा। तो इसमें देख लीजिए आइए क्या होगा अविरोधी, तो अविरोधी कहीं दिया है ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, समीकरण ये दे दिए, ये तो बहुत आसान है और कई बार पूछा गया है। देखिए एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई बराबर छः, इसके कितने हल है, तो इसके अनंत हल डायरेक्टे मान लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने मन से समीकरण में मान भरा जाता है, जो मन में आए वो भरिए। अब आप अपने मन से एक भरिएगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, दो भरिएगा तो कुछ अलग आएगा, तीन भरिएगा तो कुछ है, तो जितना बार भरिएगा उतना आंसर होगा। तो इसमें क्या पूछना है कि कितना हल होगा, करोड़ों हल हो सकता है, अरबों हल हो सकता है, तो ये अनंत हल हो जाएगा, इतना आप समझ गए। अब देखिए बाबू एट लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर देखिए, विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं, विरोधी में कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, आपको बताया था सिर्फ अविरोधी में हल माना जाता है, ठीक है, और संगत में, तो विरोधी में कोई हल नहीं, तो हल कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ दिए ही नहीं है, मिट गया है, यहाँ पे एक हल होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, अनंत भी नहीं, जीरो हल होता है, एक भी हल नहीं होता है। हल का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, एको जगह लाइन कटेगा या सटेगा ना
तबे हल होता है। एक जगह से हटा तो एक हल, दो जगह से हटा तो दो हल। यहाँ देखिए ना, एगो लाइन ऐसे है और उसी पर एगो लाइन है, तो पूछेगा कि कितना जगह से हटा है, तो कई जगह से हटा है, कई जगह मतलब कई गो हल हो जाएगा, उसे अनंत हल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको थ्री लेसन पूरा समझ में आया होगा। इससे ऑब्जेक्टिव आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है, गारंटी है। तो बिना देर किए हम लोग फोर्थ चैप्टर देखते हैं। फोर लेसन का पूरा द्विघात समीकरण का सूत्र देखते हैं, बहुत शानदार है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा बाबू, रट लीजिए। देखिए पूरा का पूरा यहाँ फॉर्मूला है, पूरा 15 लेसन तक जो भी फॉर्मूला है पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया जाएगा, और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण जिसका दो गो घात हो उसका मानक रूप दो गो घाते वाला ना होगा, यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो देखिए होता क्या है, द्विघात में घात दो होता है, ठीक, उसके बाद से दो घात के बाद एकदम घटते जाता है, एक एक करके घटता है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ डालते हैं ए बी सी। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझिए या फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप समझिए, ये दोनों बात एक ही होता है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए मूलों की प्रवृत्ति को जांच करने के लिए विवेचक यानी डी निकालते हैं, समझिएगा अब ये क्या बला है। तो मूलों की प्रकृति, मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण जैसे 2x प्लस 4x, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ऐसे अगर क्वेश्चन हम आपको दे दें, अब बोले कि इसमें गुणनखंड करके निकालिए या फिर इसमें x का मान निकालिए या फिर इसका मूल निकालिए, मूल समझते हैं ना, x का मान चाहे अल्फा बीटा निकालिए, अगर कुछ भी हम बोल दें इसका निकालने के लिए, सब एक ही चीज़ होता है। तो आप बीच वाले को तोड़ते हैं कि नहीं, फिर बीच वाले के तोड़िएगा फिर आराम से जाएगा, तो दो को x का मान आएगा, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, लेकिन उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। उसके लिए फॉर्मूला बना आपका ये, देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये वाला बना, ठीक, और उसके लिए पहले विवेचक निकालना पड़ेगा, इसको विवेचक और विवेक्तिकर दोनों बोलते हैं, रट लीजिए बाबू। आपसे पूछेगा विवेचक का सूत्र होता है, तो यही होता है विवेचक का और विवेक्तिकर का सूत्र। ये क्यों निकाला जाता है, चेक किया जाता है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, यानी क्या इसमें एक्स का मान निकलेगा, माइनस में तो नहीं आएगा ना, इसलिए अगर x का मान नहीं निकलेगा तो समझ जाना विवेचक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो नीचे बताएंगे कि कब निकलता है कब नहीं निकलता है। याद रखिएगा विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन आपके एग्जाम में एक जगह मिस किया था क्या, यहाँ देखिए हम लोगों को ये सही है लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। देखो होता कैसे, दे देगा ऐसे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए का विवेचक निकालिए, विवेचक। तो आप तो जानते हैं कि अरे क्या बात है सर बताएं, ऐसे देता है थोड़ा थोड़ा, मैंने मिल रहा है ना, एक जैसा स्क्वायर है स्क्वायर है, हम लोग इधर ध्यान नहीं देते हैं, और जब बाबू इधर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो गलत हो जाता है। जब ये फॉर्मूला विवेचक का तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन आप बताइए कि यहाँ बी दो नंबर पे ना आता है, इसमें दो नंबर पे क्या है सी है, तो बी के जगह पे सी स्क्वायर माइनस 4 ए फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे बी है और सी लास्ट में आता है और लास्ट नंबर में ए है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। जब ऐसे दिया रहेगा उटपटांग सा सजा के नहीं दिया रहेगा तो समझिएगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ऐसे ही घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा विवेचक का सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, बाद में उसके जगह पे स्थान चेंज कर देना है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब द्विघाती सूत्र आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन को आप बीच को तोड़ के बनाते हैं, ऐसे गुणनखंड मेथड से बनाते हैं। अब जब ये विधि बनाते हैं, अगर वो विधि कभी कभी ये तोड़ने में बड़ी परेशानी बच्चों को हो जाती है, इसी के लिए बनाया गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक। यहां पे क्या होता है, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये वाला का हो गया आपका सी हो गया। उसी हिसाब से ले जाके इसमें भर देते हैं, माइनस माइनस बी के जगह पे बी भरिएगा, बी के जगह पे बी, और ये सब वैल्यू भर दीजिएगा तो आपका एक्स का दो ठो मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां समझिएगा, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी ले लेते हैं, चलिए यही क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x कुछ भी अपने से ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, 2 ही रखते हैं, ठीक। इसका बोले कि विवेचक निकालिए, क्या निकालिए विवेचक या विविक्तिकर, ये दोनों चीज़ एक है, विवेचक निकालिए। तो आप क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, b कितना है तो a ये होता है b, ये 3 का स्क्वायर और माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 2, 3 तरीका 9 हो जाएगा और माइनस 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा माइनस में 7। लो भाई यहाँ माइनस में 7 है, दिमाग लगाइएगा, यानी विवेचक को बोलते हैं हम लोग d,
डी बोलते हैं ना, जब हम डी का मान निकाले, देखिए यहाँ डी द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है, जब डी का मान निकाले हम तो कितना आया, माइनस में सात है। अब देखिए ना, जब भी डी का मान जीरो से छोटा है कि नहीं, माइनस का मतलब होता है कर्ज, और जीरो का मतलब होता है आपके पास एक भी रुपया नहीं है। मान लीजिए हम बोले कि पाँच रुपया है, तो पाँच रुपया आपके पास है, हम बोले जीरो रुपया है यानी कुछ भी नहीं है, और माइनस में पाँच रुपया है तो समझिए किसी से कर्ज लिए हैं। तो यहाँ पर डी का मान क्या आ गया, माइनस आ गया, समझ गए इतना। जब भी डी जीरो से छोटा होता है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा समझिएगा, यही ना फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पे डी भी लिखता है, कभी कभी ये हटा करके डी भी लिखता है। यहाँ देखिए तो ऐसे सिंबल है, तो जिसके तरफ पूंछ होता है वो छोटा होता है, और जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो जीरो बड़ा है किससे, बड़ा है डी से, यानी कि अगर जीरो बड़ा हो डी से तो डी का मान कितना है, माइनस सात, तो डी से बड़ा है कि नहीं, ये जीरो से छोटा हो रहा है, तो जब भी जीरो से छोटा होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। याद रखिएगा, माइनस में जैसे ही जाएगा उसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये क्वेश्चन है गलत है, ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसका एक्स का मान नहीं निकल सकता है, याद देखिएगा, इसका मूल नहीं निकल सकता है, जब माइनस में आएगा तो ये द्विघात समीकरण से नहीं निकलेगा, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा तो नहीं निकलेगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए बाबू, जब भी माइनस में आए तो उसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि हम लोग इसका दूगो एक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला भर के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसे क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए कि चार आ गया, तो बताइए चार जीरो से बड़ा है कि नहीं, तो जब जीरो से बड़ा होगा, बताइए चार बड़ा है ना, तो समझ जाइएगा कि उसका आंसर अलग अलग आएगा। यहां देखिए जीरो है, यहां पे ऐसे है, समझिएगा, जिसके तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है, फॉर्मूला में भरिएगा, यही तो फॉर्मूला भरिएगा ना जी, ठीक। अगर जीरो से बड़ा आ जाए तो वो वास्तविक होगा, उसका आंसर आएगा, उसमें इसमें भर के आप बनाइएगा, ठीक, या फिर जीरो के बराबर होगा, यहाँ देखिए जीरो के बराबर होगा तो भी उसका आंसर आएगा, लेकिन जैसे जीरो से छोटा होगा, जिधर पूछ लग गया अगर इस साइड, तो समझ जाना उसका कोई हल नहीं होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो चेक करने के लिए आता है कि बताइए ये मूलों की प्रकृति है कि नहीं है, तो माइनस में आएगा तो नहीं है, नहीं आगे बनवे ना करेगा, अगर प्लस में आएगा यानी कि अगर इतना बराबर जीरो आ गया या फिर जीरो से बड़ा आ गया, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी दो अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, वो पांच नंबर या दो नंबर वाला जब क्वेश्चन बताया जाएगा वन शॉट में, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। ये रट लीजिए, याद कर लीजिए, जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, अगर जीरो के बराबर होगा तो अलग अलग आंसर नहीं, एक के जैसा आंसर आएगा, बराबर होगा, और अगर जीरो से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस चार का विविक्तिकर निकालिए, और विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्तिकर का होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर, यहां आप समझ जाइए, सब क्वेश्चन को यहीं पे समझा देते हैं, ठीक, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यही विविक्तिकर है। बी कितना है, तो बी है माइनस पांच का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है, ए कुछ नहीं तो एक है, सी कितना है, चार है, तो यहां देखिए पांच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस माइनस चार चौका सोलह, अगर पच्चीस में से सोलह जाएगा तो कितना हो जाएगा, पच्चीस यानी कि पंद्रह में से अगर तुम घटा लेते हो तो नौ बचेगा, यानी नाइन बचेगा। अब बताइए कि नाइन आया, तो यहां पर देखिए तो ऑप्शन में कोई नाइन है, नाइन है, अगर इसी में क्वेश्चन जोड़ देता कि इसका विविक्तिकर निकाल करके इसका मूल्य निकाले, यानी एक्स का मान, यानी इसको तोड़ने वाला है ना, तो यहाँ पे एक्स का मान निकल जाएगा, दो ठो एक्स का मान निकलेगा, क्योंकि जो नाइन आया है ना, जब हम ये फॉर्मूला भरे हैं, नाइन है ये जीरो से बड़ा है, नाइन जीरो से बड़ा है ना, तो इसका दो अलग अलग यानी दो भिन्न और वास्तविक, वास्तविक मतलब कि अगर मूल होगा तो वास्तविक होगा, यानी जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक उसमें होता है, इरट लीजिए, जीरो से अगर बड़ा आंसर आएगा तो वास्तविक तो होगा ही, ठीक, और नहीं अगर जीरो से छोटा रहे तो अवास्तविक भी हो जाता है नीचे वाला, ठीक। तो ये समझ में आ गया, इसका विविक्तिकर निकालना है, फिर वही फॉर्मूला इस पर लगाइए, ये आपको हम छोड़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका कमेंट में बताना है कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इसका सेम फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा दिमाग बाबू लगाना है क्या, एकदम गौर से देखिएगा किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान, किसी भी द्विघात समीकरण विवेचक का मान मतलब क्या, विवेचक मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चाहे इसको बोलते हैं डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। विवेचक का मान कितना आ जाए, शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो यानी कि जीरो से बड़ा हो, तो बड़ा होना चाहिए, तो हई वाला बड़ा है किससे, जीरो से, तो पूंछ जिधर होता है उधर छोटा होता है, जिधर मुंह खुला होता है बड़ा, तो जीरो से क्या है, बड़ा है, तो यहां देखिए तो कहीं ऐसा है जीरो से बड़ा हो, तो उसका क्या क्या हल होता है, दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होता है, तो यहां देखिए तो कौन ऑप्शन है, भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होता है, तो इसका ए इज अ राइट आंसर, इसलिए यह समझना जरूरी है। चार नंबर देखिए, चार नंबर द्विघात समीकरण इतना का
क्या बोला है, मूल वास्तविक और समान है, यानी कि इसका जो भी मूल निकल रहा है यानी x का मान, वो दोनों x का मान बराबर आ रहा है, क्योंकि द्विघात है तो दो ठो आंसर आएगा, और दोनों वास्तविक और समान माने बराबर। तो इसमें देखिए जब बराबर हो वास्तविक हो तो ये वाला लगता है, यानी कि आपका जो भी d बराबर होता है वो क्या होता है, d बराबर जीरो आता है, क्योंकि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ले जाके इस फॉर्मूला में भर देना है। यहाँ देखिए तो इसका मूल पूछा है ना, और मूल निकालने का x का मान निकालने का ये सूत्र होता है, चेक करने का सूत्र होता है कि मूल निकलेगा कि नहीं, जैसे माइनस में आएगा तो नहीं निकलेगा। तो यहां देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर से क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये वास्तविक और क्या है, वास्तविक और बराबर है, तो जीरो हो जाएगा। अब बट्टा में टू ए, तो माइनस बी प्लस माइनस बट्टा टू ए, जीरो का वर्गमूल तो जीरो होता है, तो इधर लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो माइनस बी बट्टा टू ए, इसमें कौन आंसर होगा देख लीजिएगा, माइनस बी बट्टा टू ए, यानी सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए पांच नंबर क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है, देखिएगा ये क्या बोला है, द्विघात समीकरण इतना दे दिया है, गौर से देखिएगा, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है ये, देखिए कैसे यहाँ पे दे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस, या मत कहिएगा सर ऊपर वाला ही है द्विघात, नहीं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गौर से देखिएगा, ठीक। तो बोला है अगर मूल बराबर और वास्तविक हो, क्या बोल रहे हैं, मूल बराबर और वास्तविक हो, तो बराबर और वास्तविक हो यानी ये वाला कंडीशन बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, यही ना होता है जी। देखिए जब बी वास्तविक और बराबर हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब बताइए इसमें बी कौन है, तो बी ही है, माइनस फोर ए, ए ए ही है, और यहाँ पे सी, सी यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा सी ही है लेकिन माइनस में है, किसमें है, माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम है लेकिन माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी हो जाएगा, ठीक है, फोर ए सी, तो इसमें ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा यही होगा मेरे बाबू। देखिए बेवकूफ़ बनाया है ना, ये बकलूल बनाएगा, लेकिन बकलूल बनना नहीं है, जवाब देना है ना इसको। इधर देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है, अब पहले ही क्वेश्चन हमको देना चाहिए था, क्योंकि अब द्विघात समीकरण अगर पढ़ रहे हैं तो पूछेगा पहले द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसका घात दो ठो बचेगा वो समझिएगा द्विघात है। तो इसमें देखिए तो यहाँ पे चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए, यहाँ पे ये द्विघात है एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है, ठीक है, x माइनस टू, ये देखिए x में x से गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में दो से तो माइनस दो एक्स, ये हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा x में तो माइनस में दो एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस दो, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्योंकि पावर दो है तो द्विघात है, क्योंकि हमको बोला गया है कि नहीं होना चाहिए, तो पावर द्वारा द्विघात है, यहाँ पे भी पावर दो दिख रहा है ये भी द्विघात है, यहाँ भी पावर दो दिख रहा है ना ये भी द्विघात है, लेकिन इसमें दो दिख रहा है लेकिन देखिए काहे द्विघात नहीं है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, x प्लस तीन बट्टा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, बट्टा का जब यहाँ पे जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन, अब बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये समझ आया, यहाँ पे x होगा, ठीक है, ये गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन, एक्स में एक्स के पावर एक्स स्क्वायर से तो एक्स का पावर तीन, अब इधर देखिए तो कितना घात आ गया इसका, तीन, सबसे हाईएस्ट घात को ही द्विघात कहते हैं, जिसका दुगो घात हो, तो यहाँ पे तो इससे बड़ा हो गया ना, तो ये त्रिघात हो गया, यानी इसका सी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा, देर नहीं करें क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, पूरा लेसन कंप्लीट करना है, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ फाइव लेसन देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब समझते हैं, यानी कि कोई नंबर लाइन से समानांतर, यानी बीच का अंतर, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर वाला, श्रेणी माने होता है सजना, चैन जिसको बोलते हैं, एक तरह से श्रेणी होता है, यानी समान अंतर से अगर कोई नंबर सजा हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन समानांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्वेश्चन दे देगा ऐसे दो चार छे, तो आप देखिए तो ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, समान अंतर है सबके बीच, इन दोनों के बीच में कौ का गैपिंग है, दो का गैपिंग है, इन दोनों के बीच कितना का गैपिंग है, दो का गैपिंग, ये जो बीच का अंतर अगर ये जो समान आए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। और ये बताइए तो दो के पढ़ा एक श्रेणी में सजा है ना, और बीच का अंतर समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं, और इसी को कहते हैं सार्व अंतर। ध्यान से समझिएगा, समानांतर श्रेणी में सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर
का मतलब होता है सभी, सर्व माने होता है सभी, यानी सभी का अंतर अगर बराबर हो तो समझ जाएगा वो एपी है। तो आप बताइए चार में से ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो घटा लीजिए इसमें से ये घटा लीजिए, चार में से दो जाएगा दो, छः में से दो जाएगा दो, आठ में से छः जाएगा, छः में से चार जाएगा दो, ये सबका अंतर बीच का बराबर है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। यानी सभी का अंतर अगर बराबर हो तो उसी को हम लोग एपी यानी समानांतर श्रेणी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए जब यहाँ होता है दो, यहाँ होता है चार, यहाँ छः, यहाँ आठ, ऐसे नंबर बहुत सारा लंबा सजते जाता है ना, तो सबको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में ए, इसको ही बोलते हैं ए, इसको भी बोलते हैं ए, इसको भी बोलते हैं ए। अब बताइए आपसे पूछेंगे ए बराबर क्या, तो कोई लड़का दो बताएगा, कोई चार, कोई छः, इसीलिए इसका नाम रख दिया। ये एक नंबर पर है तो ए वन, ये दो नंबर पर है तो ए टू, ये तीन नंबर पर है तो ए थ्री, ये चार नंबर पर है तो ए फोर, ऐसे करते करते मान लीजिए कि हम लिख दिए 200, तो अब तो मामला फंस जाएगा कि ये कितना नंबर पे है, तो हमको पता ना है, लेकिन ये पता है कि ए है, और नहीं पता है तो एन लिख देते हैं, यानी एन नंबर पे है, ये पता कर लेंगे नहीं, ए एन बराबर ये दिया हुआ है। जैसे ये चार नंबर पे था तो काउंट करके आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि कम है, नज़दीक है, लेकिन अब 200 लिख दिए, अब ये कितना नंबर पे है, तो ए तो है लेकिन नहीं पता है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं एन, और ये ए एन हो जाता है। ए एन को एल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। इस सब लाइन से सजा होता है, ये कैसे पहचानेंगे कि ए पी है, अगर बीच का अंतर बराबर आ गया तो समझ जाएगा एपी है, यानी कि बीच के अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां पे होता है, यानी बीच के अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, जिसको हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर अगर बराबर है तो एपी है, अगर नहीं है तो एपी नहीं है। तो चलिए कभी कभी यहां देखिए, तो ए हो गया है, ए टू, दो नंबर पे आने के लिए ए में डी जोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इसका डी कितना है, अगर डी पता हो गया दो है, तो आराम से ये पूरा का पूरा एपी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम बोले कि ए थ्री कितना होगा, तो छः है ना, तो देखिए तरीका, ट्रिक समझिएगा। जैसे हम पूछे कि ए थ्री निकालिए, तो ए में बताइए ए से कितना डेग चलिए कि तीन नंबर पे आ जाएगा, तो ए से चलेंगे एक दो डेग पर आ जा रहे, तो ए में टू डी जोड़ दीजिए, कितना डी जोड़ दिए। अगर हम पूछे ए पंद्रह निकालना है, या फिर कभी कभी बोल देता है, इसको बोलते हैं पंद्रहवां पद निकालना है, यानी पूछ रहा है कि एक दो तीन चार, ऐसे करते करते पंद्रह नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो कभी भी ए से चौदह डेग चलिएगा, ए प्लस चौदह डी हो जाएगा। ए का मान दिया रहेगा और डी का मान कितना है दो, तो यहाँ देखिए ए का मान मान लीजिए दो हो गया प्लस 14, और डी का मान कितना हो गया, डी का मान यानी कि दो हो गया, तो 14 दूना 28, 28 और दो कितना हो गया 30, यानी कि 15वां पद कितना हो गया 30 हो गया। ये रट लीजिए, देखिए दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे हम आपसे बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं पता है, चौथा पद ये मिटा दे रहे हैं, आप पूछे चौथा पद निकालिए चार नंबर पे क्या होगा, तो नंबर छोटा छोटा है तो आराम से निकाल देंगे आप, लेकिन आपको सिर्फ ए और डी पता रहे तो कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, वो 200 नंबर पे पूछे, 500 नंबर पे क्या है पूछे, वो याद रखिएगा। जैसे पूछेगा कि ए 40वां पद, या जैसे ही पूछ दिया कि ऐसे दे दिया गया और इसका 40वां पद निकालिए, तो डायरेक्ट ए 40 नंबर पे निकालना होगा, तो ए से कौन डेग चलिएगा, ए से हम लोग कितना डेग चलेंगे, 39 डेग चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपसे हम बोले कि ये वाला पद निकालना है, ध्यान से बाबू समझिएगा, तीन नंबर का निकालना है, तो यहां से कितना डेग चल रहा है, एक दो, तो तीन नंबर मिल जा रहा है कि नहीं, यानी जितना नंबर पूछता है उससे एक कम चलते हैं। 40 पूछा है तो 39 डी लिखिएगा, ठीक है, अगर 50 पूछे तो कितना, 49 डेग लिखिएगा, यानी डी लिखिएगा। डेग अपने से बोल रहे हैं, ट्रिक बोल रहे हैं, एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां देखिए इसको बोलते हैं ए, इसको ए टू, ए थ्री, ए फोर सजा होता है। ए में अगर ए होता है, ए में डी जोड़िएगा तो ए टू मिला, ए में टू डी, अगर ए थ्री निकालना हो तो टू डी जोड़ना पड़ता है, अगर ए फोर निकालना हो तो ए में थ्री डी, यानी इससे एक कम जोड़ते हैं। लेकिन ऐसे ही अगर ए एन निकालना हो तो क्या करेंगे, ए में जोड़ेंगे, लेकिन डी कितना होना चाहिए, एन से, यहाँ जो भी होगा उससे ए गो कम, तो यहाँ क्या है, एन है, यहाँ पे ए एन है, इससे ए गो कम करके डी जोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ए तो है लेकिन एन में ए कम करके जोड़ दिए, यानी ए एन का फॉर्मूला, यानी लास्ट वाले पद को ए एन बोलते हैं, इसको हम लोग एल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल भी कहते हैं। यहाँ देखिए ए को प्रथम पद, डी को सर्व अंतर, या इसे पदांतर भी बोलते हैं, ए एन या एल को अंतिम पद, लास्ट वाला पद बोलते हैं। एस मतलब होता है योग, योग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ए पी दिया है 2, 4, 6, 8, हम बोल दें कि एस टू निकालिए, इसका मतलब क्या कि एस माने होता है योग, और टू माने होता है दो गो पद, यानी दो गो पद को जोड़ दीजिए एस टू निकल जाएगा, तो चार और दो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। अगर हम बोल दिए एस फाइव निकालिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पांच गो पद को 2, 4, 6, 8,
10, ऐसे होगा ना जी, क्योंकि एपी लाइन से सजा होता है कि पांच गो पद को जोड़ दीजिए, एस माने होता है योग यानी सम यानी जोड़ना, इसका हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा एस टू मतलब होता है दो पदों का योग, यानी दो गो पद है इसको जोड़ दीजिए तो उसे एस टू कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारा नंबर है एन तक है तो उसे बोलते हैं एस एन, यानी सब नंबर को जोड़िए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, एक फॉर्मूला है एस एन का, तो यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए एन का मतलब कि लास्ट वाला नंबर निकालना हो, जैसे मान लो यहाँ दो हो तीन हो चार हो, ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर निकालना हो तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। आई सब नंबर को एक में जोड़ना हो, जैसे यहाँ नंबर दिया है हम बोले कि दो है चार है छः है आठ है दस है, यहाँ डॉट डॉट करके अस्सी तक है, आ सब को जोड़िए, तो सब को जोड़ना है तो ये पता है अस्सी कितना नंबर पे है, ये तो बता दीजिएगा एक नंबर पे है दो तीन चार पाँच, लेकिन ये कितना नंबर पे है अगर डाउट आएगा तो ये एन नंबर पे है, तो एन को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे एस एन निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये याद रखिएगा। एक और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, एक और इसी को ए एन को एल भी कहते हैं, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ये तीनों में कोई फॉर्मूला ला के बना सकते हैं। अब कहेगा ये दोनों में अंतर क्या है, बाबू दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसी फॉर्मूला से ये वाला बन गया है। देखिएगा कैसे एन बाई टू ये हो जाएगा ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ये वाला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही ना होता है, इसी का ये भर नियम। अब एन बाई टू ए और ये टू ए हो गया और एन माइनस वन इन टू में क्या हो गया डी हो गया, तो ये दोनों सेम है वैसे ही बन जाता है, तो ये याद आप रखेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन, या फिर एन बाई टू योग का फॉर्मूला है ए प्लस एल, ठीक है। अगर इतना पता हो गया तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ देर के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वन नंबर क्वेश्चन। एक एपी दे दिया गया, पूछा है सार्व अंतर यानी बीच का अंतर क्या है, तो इसमें से घटा के चेक कर लीजिए, और कभी भी ये दो नंबर वाला में से ये वाला घटाते हैं, चाहे आगे वाला में से पीछे वाला घटाते हैं, तो घटा के देखिए, तो यहाँ पे सार्व अंतर माइनस छः में से घटाना है कितना माइनस दस, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल, माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दस, दस में से छः जाएगा तो हो जाएगा चार, ठीक है। बड़ा वाला का सिंबल रहता है तो बड़ा वाला प्लस में चार कौन है, बी इज अ राइट आंसर, समझ में आया। उसी तरह यहाँ देखिए, यदि ये क्वेश्चन दे दिया है एक्स प्लस टू, ए पी है, दिमाग में रखिएगा ये पूरा का पूरा पहला वाला नंबर है, ये दो नंबर पर आएगा, ये तीन नंबर पर आएगा, सारा समानांतर श्रेणी है, तो एक्स का मान निकालिए, यानी एक्स का मान निकालना है। तो आपसे एक चीज बताए थे कि कोई भी नंबर अगर दिया रहे तो इसके इका होते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है बीच का अंतर होता है वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर। तो मान लीजिए कि एक दो तीन गो नंबर है तो ये दोनों के बीच का अंतर होगा, ये दोनों के भी बीच का और हटा देते, ये दोनों दोनों का अंतर बराबर होगा ना एपी में, तभी तो वो एपी है। तो एक काम करो, बीच का अंतर बराबर करो, घटा के देख लो, सिंपल है। घटा के देखने के लिए क्या तरीका है, तो यहां देखिए इसमें से इसको घटाइए तो जितना आंसर आएगा इसमें से ये घटाइएगा तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बराबर होता है। तो तीन एक्स में से घटा लीजिए एक्स माइनस एक्स प्लस टू, बराबर आना चाहिए चार एक्स प्लस वन में से घटा लीजिए तीन एक्स, मतलब ये दोनों को और ये दोनों दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए। तो देखिए तीन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस टू, अब बराबर ये हो जाएगा चार एक्स में से तीन एक्स जाएगा तो एक एक्स, अब प्लस में वन, ये तीन में से एक जाएगा तो कितना टू एक्स माइनस टू, बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। नंबर को नंबर के पास भेज दीजिए, एक्स वाले को एक्स वाले के पास भेज दीजिए, जात पहचानने का। टू एक्स प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में, वन प्लस इक्कीस में है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, दो एक्स में से एक एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा और ये हो जाएगा तीन, यानी एक्स बराबर तीन है। हमने क्या किया, दोनों का अंतर बराबर कर दिए, इसको घटा लिए फिर इसको घटा लिए, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए बराबर, तभी तो एपी होगा ना, तो दोनों को घटा के बराबर कर लिए, यानी कि इसका सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एगो एपी दे दिया है सजा करके, पूछ रहा है 12 नंबर पे क्या होगा, तो आप बताइए कि ये पहले ए है, यहाँ से कितना डेग चलिएगा तो 12 नंबर पे पहुँचेगा, तो 11 डेग यानी 12वां पद पूछा है, तो जैसे ए 12 नंबर पे पूछा है तो ए में 11 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ए तो एक पर अब खड़े हैं, 11 डेग चलिएगा तो 12वां पद, यानी जो यहाँ पूछेगा एक कम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, तो पहला वाला ए का मान होता है, यानी कि आपका यहाँ देख सकते हैं ए बराबर 14 प्लस 11, और डी का मान कितना है, तो डी किसे कहते हैं, बीच के अंतर को कहते हैं, तो ये घटा के देख लीजिए 9 में से 14 अब घटाइएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस में 5 बचेगा, ये घटा के देख लीजिएगा 9 में से 14 तो माइनस में 5, तो यहाँ माइनस 5, ये 14 यहाँ पे हो जाएगा 11 25
55, यहाँ पाँच में से चार जाएगा एक और पाँच में से एक जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चार, यानी माइनस में आपका 41 आंसर आएगा, यानी बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये एपी दे दिया है, एक एपी दे दिया है और 10 नंबर पे पूछा है, दसवां पद पूछा है, यानी कि आपका ए बराबर दे दिया है पहला वाला दो, डी किसे कहते हैं घटा के चेक कीजिए, दूसरा में से पहला को घटाइए, सात में से दो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा पाँच, अब पूछा है दसवां पद, ए 10 नंबर पे क्या आएगा तो ए में 9 डी जोड़िएगा, जो यहाँ रहेगा उससे एक कम करके जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 डी का मान हो जाएगा 5, 9 पचे 45, 45 और 2 कितना होता है 47 होता है, यानी 47 इज अ राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक ये दोनों फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, पूरा का पूरा फार्मूला का निचोड़ जो इस बार आपको मैट्रिक में टॉपर बनाएगा बाबू, ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप देख लेते हैं 15 लेसन का डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक एपी दे दिया है लेकिन एनवा पद पूछा है, हम जब दसवां पद बोल रहे हैं तो आप ए 10 लिख रहे थे, लिख रहे थे ना यहाँ पे ए 10, जब एनवा पद बोलेगा तो आप ए एन लिखेंगे, सिंपल, इसमें करना क्या है, और ए एन का फॉर्मूला तो ये होता ही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे जब ये फॉर्मूला होता है तो ए बराबर इसमें क्या है, देखिए तो ए बराबर इसमें क्या है, पहला वाले को ए कहते हैं, ए बराबर 14, डी बराबर क्या है तो घटा लीजिए 9 में से 14, यानी कि 9 में से 14 घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस में 5 बचेगा, ले जाकर वैल्यू भर देना है, सिंपल, और एनवा पद पूछा है तो चलिए ए बराबर क्या है 14 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 में एन से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 5n और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक, 14 और 5 कितना होता है तो 14 और 5 19 और माइनस 5n, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो 19 माइनस 5n किधर है तो आपका B इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, तो यहाँ देखिए एक एपी दे दिया गया है, यहाँ कर रहा है 2, 7, 12 ऐसे करके प्रथम 10 पदों का योग, अब कहेगा ये क्या बोल रहा है, तो ये 1, 2, 3 को ना पद है, ऐसे करते करते आगे जाएगा तो 10 को पद मिलेगा और 10ों का योग यानी जोड़ के बताना है, तो 10ों का योग, योग को बोलते हैं एस, और 10 एस 10 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है एस तो एस है, एन का मान हम 10 भर दिए तो एन का मान 10 यहाँ पे दिमाग रखिए तो यहाँ 10/2 हो जाएगा, इसी फॉर्मूला भर रहे हैं 2, ए का मान कितना है तो पहला वाला होता है ए का मान प्लस एन 10 माइनस 1 और डी का मान तो घटा के चेक कर लिए 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 × 5 = 45, 45 और 4 कितना होता है तो 45 और 4 यानी 49 हो जाएगा और ये 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 बचा, 5 × 20 और 4 = 24, 245 इसमें ए इज अ राइट आंसर। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके एग्जाम में बाबू इस बार जरूर, इसको पूरा शेयर कीजिए जितना हो सके आपके पास जितना ग्रुप है सबको शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बहुत मेहनतों के बाद से पूर्ण रूप से बनाया गया है, यानी कि बहुत मेहनत लगा इसमें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आपको ये मेरी गारंटी है कि टॉप करना है, आपको टॉप हम कराएंगे बाबू, क्योंकि मैथमेटिक्स में यानी 90 पार भी कराएंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए, 95-97 यहां तक कि मैथ में आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहां 6 लेसन से त्रिभुज से क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहता है, दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, एग्जाम करीब है, थोड़ा सा बाबू मिस्टेक कीजिएगा तो समझिएगा रिजल्ट खराब होने का चांसेस हो जाएगा, इसीलिए बाबू वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, रिजल्ट बेहतर करना है तो मन लगा के मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, एक सूत्र है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु माने होता है जिस त्रिभुज की सभी बाहें, सम माने बराबर, बाहु माने बाएं, जिसकी सभी बाहें यानी सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और इसका क्षेत्रफल निकालना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये याद रखिएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, एक तो भुजा दे देता है अब पूछता है क्षेत्रफल तो सिर्फ वैल्यू भर के निकाल लिया जाता है। यहां समझिएगा सबसे पहले इसको आप समझिएगा, एक त्रिभुज ऐसे बना देगा और जब भी त्रिभुज में बोल देगा कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल माने एकदम ट्रेन का पटरी की तरह पैरेलल आमने सामने है, तो समझिएगा कि ये वाला बराबर लाइन होता है, ये वाला का मतलब क्या AD/, यहां देखिए तो खुद लिखा है, अगर ये DE और BC लाइन पैरेलल हो, आपस में ये लाइन ट्रेन के पटरी की तरह हो, तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होती है, लेकिन बट्टा में बराबर होता है, यानी कि AD/, अगर यहाँ पे BD लिखते हो, इधर क्या लिखते हो AD/DB, तो इधर सेम टू सेम वही चीज़ इधर भी लिखना पड़ता है AE इसी का रूप जैसा, और कौन EC, जब इधर आधा आधा किए हैं तो इधर आधा आधा करना पड़ता है। अगर गलती से कोई व्यक्ति यहाँ पूरा AB लिखता है
अब बाटा में लिखता है ये छोटा वाला डीबी कुछ भी, तो इधर भी सेम काम करना पड़ेगा, यानी इधर ए बी लिया है तो इधर पूरा ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बटा इधर क्या लिया है डीबी, तो इधर भी इस साइड वाला लेना पड़ेगा ई सी, यानी जो काम इधर होता है वही काम इधर करना पड़ता है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू रहता है, जो काम इधर करोगे वही काम इधर करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे ए डी बटा ए बी, अब पूछ दे इधर तब का लिखेगा, तो यहाँ क्या लिखे हैं ए डी, फिर क्या लिखे हैं ए बी, तो यहाँ भी लिखिएगा ए ई, क्या लिखिएगा ए ई, इधर दो नंबर में ए बी लिखे ना, तो यहाँ बड़ा वाला ए सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन यही है, यानी कि ये अब देख लीजिए ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, या फिर अगर लिखा हो ए डी बटा पूरा ए बी, तो इधर ए ई बटा पूरा ए सी लिखना पड़ता है, ये समझ में आया। या फिर यहाँ बी डी, अगर बी डी बट्टा ए बी लिखा हो तो ई सी बट्टा ए सी लिखना पड़ता है, यही आपका है। दूसरा आपका प्रमेय नंबर 6 रट लीजिए, ठीक है। क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, दो त्रिभुज आपस में समरूप है, समरूप का मतलब समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ई है समरूप का सिंबल और ई है सर्वांगसम का सिंबल, अब दोनों में अंतर का है, तो समरूप का मतलब होता है सिर्फ रूप सेम हो। यहाँ देखिए तो ये छोटा सा वृत्त है, ये बड़ा सा वृत्त है, तो यहाँ दोनों का रूप सेम है लेकिन छोटा बड़ा है कि नहीं, तो सिर्फ शकल मिले, जैसे आप ताजमहल देखें और एक मार्केट में इतना छोटा ताजमहल मिलता है, ठीक है, लोग प्यार की निशानी के लिए एक ताजमहल दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो वहां एक बहुत बड़ा ताजमहल और उसी का डुप्लीकेट छोटा सा, तो ये दोनों एक जैसा दिखता है कि नहीं, तभी तो हम लोग कहते हैं ताजमहल है, तो सिर्फ रूप सेम है, तो इसीलिए उसको कहते हैं समरूप। लेकिन अगर एकदम सेम टू सेम हम शकल रहता, लंबाई चौड़ाई में भी बराबर, हर चीज में बराबर, तो उसे कहते हैं सर्वांगसम, यानी जिसका अंग अंग समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे जुड़वा वगैरह देखे हो ना मूवी, उसमें क्या होता है सर्वांगसम होता है, हाइट भी सेम रहता है, सब कुछ सेम। जब आपसे बोल दे बाबू कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो फिर लड़का क्वेश्चन क्या करता है, सर एगो लाइनवा इसमें का बराबर होगा क्या दोनों? अरे जब सर्वांगसम है, जब हर एक अंग समान है, तो हर एक पार्ट ना बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज बनाए ऐसे, ये भी एक त्रिभुज, अब बोले कि ये दोनों सर्वांगसम है, नहीं हम सकल है, तो तुम फिर बाबू ये क्वेश्चन मत करना कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा क्या, हम तो बोल ही दिए ना बाबू कि जब अंग अंग समान है तो सब कुछ इसका आपस में क्या होता है बराबर होता है, उसे सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप किसे कहते हैं, लंबाई बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन सिर्फ शकल बराबर होता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है थ्योरम नंबर 6, अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, एक रूप का होगा, यानी छोटा एक हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, इसको बड़ा भी आप बना सकते हैं, तो उसका जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो बट्टा में होता है, क्षेत्रफल यानी ए बी सी बट्टा पी क्यू आर, बट्टा का मतलब अनुपात होता है, क्या होता है बाबू अनुपात होता है। अगर इसका क्षेत्रफल अनुपात में लिखते हो तो इसकी भुजाएँ स्क्वायर में होती है, यानी कि वर्ग में बराबर होती है। जब भी किसी भी त्रिभुज रट लीजिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में हो तो इसकी भुजाएँ, कोई भी भुजा अगर इधर ए बी लेते हो ना, तो इसमें का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे पी क्यू है ना, तो बटा में लेना पड़ेगा पी क्यू, आई स्क्वायर कर देना पड़ेगा। अगर इधर लेते हो ना बी सी, तो ये लेना पड़ेगा नीचे वाला क्यू आर, स्क्वायर में बराबर कर देना पड़ेगा, कब, जब इसका क्षेत्रफल बट्टा यानी अनुपात में हो। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल अनुपात में हो तो उसकी संगत भुजाएं, ये और ये संगत भुजा हो गया, ये और ये संगत भुजा हो गया, ए सी और पी आर संगत भुजा हो गया, ये वर्ग के अनुपात का बराबर होता है, यानी कि इसका वर्ग, वर्ग अनुपात माने होता है बट्टा में बराबर होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये तीनों का तीनों में यहाँ लिख दिए, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ये बराबर होगा, और ए सी बट्टा पी आर बराबर होगा, ये तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे देगा ध्यान से समझिएगा। अब दोनों पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई और बी सी, यानी डी ई और बी सी आपस में लाइन पैरेलल है, बताइए ये जिस तरह पैरेलल था तो इतना बट्टा इतना, और इधर भी वही काम कर रहे थे, तो ये भी कह रहा है कि जब ये लाइन डी ई और बी सी पैरेलल है तो यहाँ एक्स का मान निकली, तो इसमें क्या दिक्कत है, आराम से निकल जाएगा ना। पहले इधर देखो, इधर तो मान निकालना है, तो जिधर नहीं निकालना उधर क्या लिखो, ए ई दिया है और ई सी दिया है, यानी क्या दिया है ए ई इधर ले लो, अब बटा में ई सी, जब इधर सेम टू सेम लिया तो वैसे ही सेम टू सेम इधर लेना पड़ेगा, जब ए ई और ई सी लिए हैं तो इधर लो ए डी और बटा में ले लो डी बी, डी बी अब बराबर कर दो। अब बताओ ए ई कितना है, तो ए ई है 34, ई सी कितना है, तो ए सी है 17, ए डी हमको नहीं पता है तो एक्स मान लो, अब बटा डी बी कितना है, तो डी बी है आपका 16, याद कि 17 दूना 34,
एक्स का मान निकला है ना, तो 16 दुना 32 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया 32, यानी कि एक्स का मान निकल गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू मैट्रिक एग्जाम में हर बार पूछता है, इसमें ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये रट लीजिए बाबू मेरा, ये रट लीजिए, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। तो जिस तरह इधर तो दोनों अच्छा खासा भर दिया गया है ना जी, इधर एगो खाली छोड़ दिया गया, तो क्या दिक्कत है, वही बात है, ए ई बट्टा ए सी करना और ए डी बट्टा बी डी करना, तो यही बात है सेम टू सेम। यहाँ क्या हो जाएगा, ए ई कितना है तो ए ई हो जाएगा 1.8 और ए सी कितना है तो ए सी है 5.4 बराबर, ए डी नहीं पता है तो एक्स भर दो और यहाँ पे बी डी, बी डी कितना है 72 यानी 7.2 है। अब यहाँ से कटा दो, जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट ये खत्म हो जाएगा, 18 3 54 होता है, 18 3 54 हो गया। अब चाहो तो इसको 3 से भी कटा सकते हो, जब इसको हटाओ चाहे यहाँ पॉइंट रखो, कटाओ इसको 3 से जब कटाइएगा तो हो जाएगा 3 2 6 एक बजेगा 3 4 12 तिरछा तिरछी गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 2.4 और इधर आ जाएगा x, x बराबर 2.4 आपका आंसर हो गया, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 2.4। तो समझ में आया कि नहीं, ये मैट्रिक के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस बार अगर आप बाबू मिस करेंगे और वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ जाइएगा कि नुकसान आपका है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी मान लीजिए कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ चलिए ए बी सी एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये वाला हो गया जिसमें डी ई और बी सी, तो जिस तरह बी सी है ना उसी तरह एक और डी ई खींच लिए हैं, ये बराबर है। अब बोल रहा है ए डी और बी डी, ए डी दिया है 5 और बी डी दिया है 3, ई वाला दिया है 5 और ये वाला दिया है आपका 3, ठीक है। अब पूछ रहा है ए ई मतलब ये वाला ए ई और ए सी यानी पूरा वाला, यानी ए ई और पूरा ए सी निकालना है, तो जिस तरह ये निकालना है ना ए ई बट्टा में ए सी, तो सेम वही काम करो, ए ई बट्टा पूरा ए सी, तो उधर छोटा वाला लो, पहले क्या लोगे ए से लेकर के डी तक, ए डी अब बट्टा पूरा लो ए बी, ए बी समझ में आया, जो ये निकालना होता है ना तो सेम इधर लेते हैं। अब बताइए ये तो निकालना है ए ई बट्टा ए सी, ठीक है, अब बराबर ए डी कितना है ए से लेकर डी तक 5 है, अब बट्टा ए बी कितना है ए से बी तक, तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 3, 5 और 3 8, तो यहाँ पे ये वाला का आंसर हो गया 5/8, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये वाला आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 5/8, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सबसे मस्त क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट वीवीआई, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पेपर खोलिएगा ना तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस लेसन से ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। दो त्रिभुज आपस में समरूप है, इसी तरह है ना, और उसके संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा दे दिया गया है, अब पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी कि आप खुद देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, भुजा दे दिया है, अब बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो भुजा के जगह पे भुजा भर दो ना, यानी क्षेत्रफल पूछा है अब भुजा दे दिया गया है, आप क्या दिया भुजा 4:9, एक वो दिया है ऊपर वाला 4 और नीचे वाला दिया है 9, स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, क्या होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81 यानी 16/81 आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सेम इसी पर भरना है, कोई भी क्षेत्रफल बट्टा में करो तो उसका भुजा क्या होता है स्क्वायर में बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज समरूप है, एकदम समरूप है भाई चलिए, और इसका इस बार क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है बाबू, इस बार ई वाला दे दिया गया, अब पूछा है संगत भुजा का होगा, तो क्षेत्रफल ई वाला दे दिया गया, क्षेत्रफल कितना है, एक वो क्षेत्रफल है 9 और दूसरा क्षेत्रफल है 4, क्योंकि इस बार क्षेत्रफल दिया है, तो यहां भरिएगा ऊपर भरिएगा 9 और नीचे वाले में भरिएगा 4 और बराबर यहां ए बी लिख दीजिए बट्टा में पी की, पूछा है ये भुजा निकालिए, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ए बी बराबर आ गया 2 और यहाँ पे पी क्यू बराबर आ गया आपका 3, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3:2 बट्टा को अनुपात भी कहते हैं, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ये आपको समझ में आया, यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसमें यहाँ पे जिसकी भुजा दे समबाहु जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो भुजा हो जाएगा ये 2a, क्योंकि क्या बोला है समबाहु बोला है, और बोला है इसकी ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालना है बाबू इसकी ऊंचाई निकालनी है, आप बताइए भाई पूरा 2a है तो आधा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा कि नहीं, ये भी a, तब ना जाकर पूरा 2a होगा, और इसकी ऊंचाई पूछा गया है, तो ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, आ समकोण त्रिभुज ऐसे बनाइएगा, ये वाला लाइन वहाँ पूछा है, तो ये दे दिया है 2a और ये दे दिया है a, तो जब कर्ण पता हो और आधार पता हो तो लंब निकाल लीजिए, लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर में से घटा दो क्या लंब स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4a² - a²
चार में से एक ए स्क्वायर जाएगा तो तीन ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा ए के लिए और तीन अंदर रह जाएगा, यानी ए रूट तीन आपका आंसर हो जाएगा या फिर रूट तीन ए किसी तरह लिखिए आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट थ्री ए। ठीक है, तो ये खाली भर करके और बना लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कमेंट में बताते रहिए कि क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पूरा 15 लेसन का निचोड़ बताया गया है। तो फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ 7 लेसन निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है कोई पॉइंट रख दिया जाएगा कहीं भी ग्राफ में, कहीं पॉइंट रख दिया जाए। अब पता किया जाए कि वो पॉइंट का वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि एक ग्राफ हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, इसका नाम क्या है, तो उसी को जो इस पॉइंट को दिखाया जाता है, मान लीजिए इधर x के सामने यहां पे आएगा, इधर y के सामने आएगा, तो यहां मान लीजिए कि x का मान यहां 3 हो रहा है और यहां पे 4 हो रहा है, तो इस पॉइंट को निर्देश कर रहा है कि ये 3.4 पे है। पॉइंट को दिखाना कि इसकी औकात क्या है, ये किस जगह पे, किस स्थान पे है, तो 3.4 पे, इसी को निर्देशांक बोलते हैं। ज्यामिति आपका ये मापने वाला हो गया। ज्यामिति समझिएगा, कभी भी निर्देशांक ज्यामिति में दो वैल्यू रहता है, एक पॉइंट का दो नाम रहता है। अगर ये पॉइंट हो गया ना, तो इधर से x के नीचे ऊपर होगा और इधर से y के साइड में होगा, यानी कि एक पॉइंट को दो नाम से सूचित करते हैं, एक को बोलते हैं x, दूसरे को बोलते हैं y। यानी अगर 2.3 है तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। इसको बोलते हैं x अक्ष y अक्ष, x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऐसे दे देगा -2.7, इनमें बताइए कि कोटि कौन है, तो ये कोटि है और ये वाला क्या है, भुज है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। फॉर्मूला देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि क्या होगा होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखे, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाती है। मान लीजिए कि ये वाला होता है x अक्ष, कैसे पहचानिएगा, x ऐसे लिखा जाता है तो x इस तरफ होता है और एक इस तरफ घुमा रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग x, इसको माइनस में x बोलते हैं। y ऊपर से नीचे लिखा जाता है, तो ऊपर नीचे वाला क्या है, y है, क्या है, y है। इधर ये दोनों प्लस में होता है, किसमें होता है, प्लस में। ये चतुर्थांश, चार हिस्सा है ना, 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। पहला वाला में ये और ये दोनों प्लस में होता है, दूसरा वाला में y प्लस में और ये वाला माइनस में होता है, तो पहले x लिखते हैं, तो पहले माइनस लिखते हैं, फिर क्या होता है, प्लस। तीसरा वाला में दोनों माइनस होता है और चौथा वाला में होता है, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। अभी कहिए ये क्या लिख रहे हैं सर, समझिएगा बाबू, पहले हमेशा प्लस लिखते हैं, यानी कि जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो फर्स्ट वाले को एक्स बोलते हैं, सेकंड वाले को वाई। याद कैसे, जब ABCD पढ़िएगा तो पहले क्या आता है, एक्स, उसके बाद क्या आता है, तब ना वाई आता है जी, तो इसलिए हम सबसे पहला वाला हमेशा क्या होगा, एक्स होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे पूछेगा -3.2 बताइए किस चतुर्थांश में आता है, तो पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला क्या है, प्लस, तो बताइए इसमें कहाँ है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, ये किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, ये पहला चतुर्थांश, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, मैथ में टॉप करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ बस साथ दीजिए ना, काफ़ी है एग्जाम तक। अगर 24 घंटा पहले भी पता चले ना एग्जाम है, तो आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए, क्योंकि ये इसमें पूरा का पूरा 15 लेसन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और पूरा निचोड़ और इसका मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा बाबू। यहाँ देखिए बाबू, 14 फरवरी याद होना चाहिए। लोग तो कहते हैं 14 फरवरी के एग्जाम में एक तरह से युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक दिन आ रहा है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना जी, ये सब कुछ नहीं होता है, एग्जाम जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ देखिए, ये तो आप समझ गए, ये बोला है किसी बिंदु, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कह रहा था। आप देखिए ये हो गया ना, वाई अक्ष से अगर आप दूर जाएंगे तो किधर जा रहे हैं, एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इधर किधर है, इधर तो एक्स बढ़ता है ना, तो बोला है कि वाई अक्ष से दूर जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे, तो एक्स निर्देशांक उसको बोलते हैं। अगर बोल दे कि एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं, यहां से अगर या तो ऊपर जाइए नहीं तो नीचे आइए, तो यहां से अगर आप दूर जाएंगे तो किधर बढ़ रहे हैं, इधर तो नीचे वाई की तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर नीचे क्या होता है, वाई होता है, तो एक्स जहां पूछेगा उसका वाई आंसर हो जाएगा, वाई बोलेगा तो एक्स आंसर हो जाएगा, इसको रट लीजिए। अब आते हैं
हम लोग फार्मूला की तरफ। अगर दो ठो पॉइंट ऐसे दिया हो, एक का नाम हो जाए 2.3, एक का नाम हो जाए 3.4, अब बोले कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना दूरी है, भाई कितना दूरी पर खड़ा है, अगर बाबू ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो ये दूरी फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? एक होता है दूरी फार्मूला, याद रखिएगा। अब सब हम फार्मूला बाद में लिखेंगे, पहले लिख देते हैं दूरी सूत्र है ये, ठीक। अगर बोल दे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बीच में अगर देखना हो कि इस पॉइंट पर कोई आके रुक गया, तो मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु निकालने का क्या सूत्र है इस पॉइंट का नाम, तो मध्य बिंदु का एक अलग फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु, ठीक है। अब देखिए तीसरा कह देता है, देखिए क्या कि अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसे लाइन हो गई, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर है, अगर इसको तीन हिस्सा में तोड़ दिए, एक हिस्सा दो हिस्सा तीन हिस्सा, तो इस पॉइंट का नाम बताइए फिर इस पॉइंट का, तो विभाजित हो गया कि नहीं, विभाजित माने होता है टूटना, तो यहां से टूटा, यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो जब विभाजित हो गया, लाइनें टूट जा रहा है, विभाजित हो रहा है, तो उसके लिए विभाजन फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? विभाजन सूत्र लगाते हैं, ये याद रखिएगा। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। अब देखिए मान लीजिए कि यहां से टूटा, तो एक लाइन इतना बड़ा तीन हिस्सा था, जब यहां से टूटा तो इस साइड दो हिस्सा रह गया और इस साइड एक हिस्सा रह गया, तो ये जो एक हिस्सा है ना, इसमें इसको M1 कहते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं? M2 कहते हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपका निकल जाएगा, अब जितना भी हो एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक। अब बोलेगा फिर यहां से तोड़ रहे हैं हम, यहां से नहीं, तो इधर आपका कोई हिस्सा हो जाएगा दो हिस्सा, इधर कितना हिस्सा हो जाएगा? एक हिस्सा, तो इस बार M1 कितना हो जाएगा? 2, और M2 हो जाएगा। जितना हिस्सा टूटता है हमेशा M1 M2 अनुपात में दिया रहता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि दो बिंदु एक लाइन के बीच यहाँ विभाजित हो रहा है 2:3 में, तो जो भी अनुपात होता है, एक को कहते हैं M1 और एक को कहते हैं M2, इतना याद रखिएगा। अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला होता है, ये जो यहाँ से यहाँ दूरी बन रहा था ना जी, यहाँ मान लीजिए एक्स वाई बोलते हैं, इसको भी x और y बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स वाई। अब देखिए दोनों एक्स वाई नहीं हो सकता, एक नंबर पे है तो इसे एक, दोनों को 1, इसको 2 बोलिएगा। फॉर्मूला होता है एक्स टू, यानी दूसरा में से पहला को घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से मध्य बिंदु का फॉर्मूला बस यही होता है, इसके बीच वाला निकालना है ना, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू। एक ट्रिक समझ लीजिए, जितना अंक जोड़ते हैं ना उतना ही से भाग देते हैं, तो यहाँ कग अंक है? दो गो, तो दो से भाग। अब देखिए वाई वन प्लस वाई टू, दो गो है तो दो से भाग, मध्य बिंदु इससे निकल जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। विभाजन सूत्र में एम वन एम टू आता है, तो ट्रिक कैसे बनाइएगा, देखिए एम वन प्लस एम टू, नीचे भी लिखिएगा एम वन प्लस एम टू, यहाँ लिखिएगा एम वन प्लस एम टू, इधर भी लिखिएगा M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आएगा, पहले 2 फिर 1 लिखते हैं ना, तो लिखिएगा X2 X1 Y2 Y1, ठीक है। तो ये आपका विभाजन सूत्र हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया, सबसे पहले M1 M2 चार बार लिख देंगे, X2 X1 Y2 Y1 लिख देंगे, ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। अब आते हैं केंद्रक, केंद्रक का क्या होता है, केंद्रक का देखिए, केंद्रक का क्या होता है समझिएगा, मध्य बिंदु या केंद्रक में क्या अंतर है? तो किसी लाइन के बीच में निकले तो इसे मध्य कहते हैं, लेकिन कोई ऐसे फिगर बना दे और उसके बीच वाले को, इसको बोलते हैं केंद्र। किसी भी गोल हो या फिर किसी भी आकार का एक फिगर हो, ये कोई आकार थोड़े है, कोई शेप थोड़े लिया है, उसके बीच वाले को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य। लेकिन दोनों का फॉर्मूला लगभग लगभग सेम होता है, इसमें मात्र दो ही पॉइंट होता है ना, ये और ये, तो एक्स वन एक्स टू को जोड़ रहे थे, इसमें एक दो तीन गो पॉइंट बन रहा है, यानी तीन गो शीर्ष बन रहा है, तो इसमें तीन गो पॉइंट को जोड़ेंगे, यानी पॉइंट यानी फॉर्मूला हमारा रहेगा क्या, देखिए x1 प्लस x2 तो दो गो था इसीलिए 2 तक था, लेकिन यहाँ हो जाएगा x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टा में 3। ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है, अधिकतर ये त्रिभुज में होता है, ठीक है। अब आते हैं केंद्रक के बाद कौन सा त्रिभुज, एक और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि x अक्ष से दूरी या मूल बिंदु से दूरी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन इसको समझाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, कि ये क्यों सेम है। यहाँ देखिए उसके बाद से एक होता है लास्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, इतना तो आप कर सकते हैं, ट्रिक समझिएगा। उसके बाद से लिखिएगा एक्स वन, अब त्रिभुज में तीन को शीर्ष ना होता है, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन
उसके बाद से लिखिएगा यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर दीजिएगा प्लस एक्स टू, ऐसे ब्रैकेट कर दीजिएगा प्लस एक्स थ्री। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ये खाली छोड़ दिए। अब खाली क्यों छोड़े, वन बाई टू है ना तो वाई भरना है, तो जहाँ टू पर छोड़े हैं ना तो टू से उठाइएगा, टू और थ्री वाई टू बाई थ्री, थ्री पर छोड़े हैं ना तो थ्री से उठाइएगा, थ्री थ्री के बाद वन लिखिएगा, और वन पर छोड़े हैं तो वन के बाद उठाइएगा वन, और वन के आगे क्या, हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए वाई वन वाई टू और वाई थ्री है, तो हम क्या बोले हैं टू से उठाए ना, टू थ्री आ गया, ठीक टू थ्री, फिर थ्री के बाद क्या आएगा वन, और वन के बाद क्या आएगा टू, यानी एक दिल जैसा ऐसे बन जा रहा है ना, हॉट जैसा। ये बायोलॉजी वाला हॉट नहीं है, ये आशिकों का हॉट है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये आपका हो गया, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि हम देने देर एक क्वेश्चन बताएं। यहाँ समझिएगा, बिंदु 9.3 और 15.11 की दूरी निकालना है, बीच की दूरी, एक पॉइंट कहीं इधर हो गया और दूसरा पॉइंट इसके बीच में कितने की दूरी है, तो दूरी फॉर्मूला यहाँ पे है। x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है, लेकिन रूट और स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट हम घटा रहे हैं, ठीक है। x2, x2 कितना है 15 माइनस x1 है 9 का होल स्क्वायर और प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 11 में से अगर यहाँ पे 3 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी कि इसका बी इज अ राइट आंसर। ये आप मिटा दे रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को सुविधा हो। यहां देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियतांक, कोई त्रिभुज है, क्या है बाबू कोई त्रिभुज है, यहां देखिए एक त्रिभुज हो गया, उसके शीर्ष दे दिया है -1, 0, 5, -2 और एक दिया है 8, 2। अब बोल रहा है इसका केंद्रक निकालिए, तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का सेंटर निकालना हो तो केंद्रक का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा में 3। अब ये वैल्यू भरना दीजिए, x1 कितना है -1 प्लस x2 है 5 प्लस x3 है, सबका पहला वाला x होता है क्योंकि हमेशा x पहले आता है, ठीक है, 8 बट्टा में 3, और ये y1 कितना हो जाएगा 0 प्लस y2 कितना हो जाएगा -2 और y3 कितना हो जाएगा, y3 आपका हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 8 और 5 कितना होता है, तो 8 और 5 13, 13 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 12 बट्टा में 3, और ये तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। 3 चौका 12, 4, 0, ये 4, 0 इसका क्या हुआ, केंद्रक हुआ 4, 0। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन कहाँ है, बी इज अ राइट आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको समझ आ रहा है ना, देखिए आसान नहीं है, मैट्रिक एग्जाम करीब है तो घबराना थोड़े है, हर ये पूरा का पूरा आप वीडियो देख लीजिए और सुनिए, पूरा का पूरा मस्ट वीवी है, सामाजिक विज्ञान का आपको पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, लाइव करा मतलब कि अपलोडेड वीडियो है, यानी कि अगर पूरा इतिहास कभी नहीं पढ़े हैं तो एक ऐसा वीडियो बनाया गया है, प्रश्न कोई भी हो उत्तर यही होगा, यानी मस्ट वीवी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराया गया है, पूरा लघुत्तरीय प्रश्न और ट्रिक के साथ कराया गया है, 4-5 क्वेश्चन है, एक ही ठो आपको आंसर देना है, पांचों क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो ये आंसर जो उसमें लिखा गया अगर लिख देते हैं समझिए आपका सही हो जाएगा, ऐसा ट्रिक बनाया गया। यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, ये तो हो गया -6, 7 का कोटि क्या है, तो आपको बताया था ना पहला वाला भुज होता है दूसरा वाला कोटि होता है, तो कोटि क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आता है, यानी जब चतुर्थांश बनाएंगे तो 1, 2, 3 नंबर में क्या क्या आता है, तो ये भी माइनस में होता है और ये भी माइनस में होता है, तो माइनस वाला दो गो नंबर इसमें कौन कौन है, तो देखो ये दोनों माइनस में है, ठीक है, यानी बी हो जाएगा, दोनों ये माइनस में होता है क्योंकि इधर एक्स माइनस में होता है इधर वाई माइनस में, तो ये वाला हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु 3.6 की दूरी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा एक बार साफ सुथरा, यहाँ पे बोल रहा है एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है, इससे 3.6 की दूरी, तो मान लीजिए कि 1, 2, 3 कहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 और ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 3.6 यहाँ पे हो गया ना। अब बोल रहा है इस लाइन से एक्स अक्ष से ये कितना दूरी पर है,
तो बताइए ना, एक्स अक्ष से एक दो तीन चार पाँच छ है ना, छ इकाई दूरी पर है ना, एक्स अक्ष से छ इकाई दूरी पर है, तो यहाँ पे सिक्स इकाई हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, तो ये वाला वाई है, वाई से बताइए पॉइंट कितना दूरी पर है, तो एक दो तीन, ये तो दोनों बराबर है ना होगा, तो तीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स से पूछा है तो छ इकाई हो जाएगा। बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के शीर्षों का नियतांक, यानी त्रिभुज शीर्ष माने सिर, ये वाला हिस्सा इसको शीर्ष बोलते हैं, कितना कितना दिया है, ये दिया है 0.8, उसके बाद दिया है 0.0, उसके बाद दिया है 6.0। अब बोल रहा है इसका परिमाप निकालिए, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने मेढ़ी होता है, सब मेढ़ी साइड वाले बाउंड्री को जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। तो बताइए ये कितना मीटर है और ये कितना मीटर है, पता है, जब नहीं पता है तो इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए कि ये कितना मीटर है, फिर ये कितना मीटर है, फिर ये कितना है, तीनों को जोड़ दीजिएगा, इसी को बोलते हैं परिमाप। किसी भी फिगर में परिमाप पूछे तो सब लाइन को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना होता है 14, टोटल परिमाप कितना हो गया 14, तो सबको जोड़ देना है ऐसे ही। पहले ये पता कर ले लाइन कितना है, तो यहाँ ए बी सी, ए बी के बीच की दूरी निकालिए, बीच की दूरी होता है एक्स टू में से एक्स वन घटाइए, जीरो में से जीरो घटाइए, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस आठ का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई थ्री। ठीक, अब ये तो जीरो खत्म हो गया, आठ का स्क्वायर होता है 64, और 64 का वर्ग, आठ नहीं 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 ही होता है, ये वाला लाइन 8 आ गया। इसके बीच की दूरी तो बताइए, ये तो जीरो है ना, तो डायरेक्टली 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 36 का वर्गमूल 6, इसका निकालिए एक्स टू माइनस एक्स वन बीच की दूरी से, एक्स टू माइनस एक्स वन तो 6 माइनस 0, वाई टू माइनस वाई वन तो 0 माइनस 8। अब देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 36 64 कितना होता है बाबू 100 होता है, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये हो गया 10। अब तीनों लाइन जब निकल गया तो पूछा है परिमाप, तो सबको जोड़ना दीजिए, तो ये हो गया 8, 8, 6, 14, 14 और 10, 24, टोटल परिमाप कितना आ गया 24, इसमें सी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव और इसका जो फॉर्मूला था वो समझ में आया होगा, तो इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एग्जाम से पहले शेयर कीजिए, ताकि हर कोई बाबू देखो हम लोग को खुद पर काम नहीं करना है, अपने स्टेट अपने देश यानी कि अपने राज्य और अपने देश पर काम करना है, पहले अपने राज्य को तो मजबूर कर ले, फिर देश पर हम लोग क्या करेंगे काम करेंगे, यानी याद रखिएगा सबको भेजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए और पता चले कि बिहारियों का भी कोई वैल्यू होता है, दिमाग में रख लीजिएगा, वैल्यू बनाना है ना, बहुत डायलॉग सुने ना कि बिहारी 100 पे भारी, लेकिन वाकई में भारी बनाना है तो सबका विकास होना चाहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमको ग्रुप में मिलकर के काम करना है। तो फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला, जैसे हम लिखते हैं आप भी लिख सकते हैं पूरा फॉर्मूला बिना कॉपी खोले, या फिर बिना आप कहीं से चीटिंग मारे आप डायरेक्ट पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए हम कैसे लिखते हैं, वैसे ही आपको लिखना है, बस त्रिकोणमिति में मात्र 6 नाम याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, लाइन से याद रखिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इतना याद है तो आप 35-40 फॉर्मूला यूं ही लिख सकते हैं, काहे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है घबराना नहीं है। चलिए साइन कॉस टेन और लंब बटा कर्ण वाला तो हम ट्रिक ही बताया जी, लंब का कर्ण के साथ मोहब्बत हो जाता है बताए थे, फिर एक बार लंब का आधार का कर्ण के साथ मोहब्बत हो जाता है, मोहब्बत वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, पूरा त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा। यहां समझिएगा हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यहां होता है पहले होता है क्या, पहली बार में हम लिखते हैं यहां पे साइन थीटा, ठीक, दूसरी बार में लिखते हैं हम कॉस थीटा, तीसरी बार में लिखते हैं हम टेन थीटा, ये तो तीनों नाम आपको लाइन से याद होना चाहिए, ठीक, साइन कॉस टेन, उसके बाद से होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, लास्ट में सेक आ रहा है ना, एक बार यही रिपीट कर दीजिए सेक थीटा, और अंत में होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, ये होता है लंब कर्ण के साथ एक बार जाता है, लंब जो है किसके साथ जाता है कर्ण के साथ, ये आपको ट्रिक बताए थे बहुत ही खूबसूरत तरीका से, ये लंब ये आधार और ये कर्ण, ये तो आपको ट्रिक बताया ना, लंब और कर्ण दोस्त हैं, और देखिए लंब एक बार कर्ण से मोहब्बत करता है, आधार भी कर्ण से मोहब्बत करता है, और ये दोनों को धोखा दे रही है, देखो एक बार लंब के साथ यहां मिली है, आधार के साथ एक बार यहां मिली है, ये देखो कर्ण है, ये कौन है कर्ण है, तो एक बार लंब कर्ण के साथ रहता है, एक बार आधार कर्ण के साथ रहता है, और जब दोनों को पता चलता है कि मामला तो गड़बड़ है, तो ये इसको हटा देता है अपनी जिंदगी से, और ये दोनों दोस्त फिर साथ में हो जाता है, यानी कि एक बार लंब कर्ण के साथ था, एक बार आधार भी कर्ण के साथ रहेगा, आधार भी किसके साथ रहेगा कर्ण के साथ रहेगा, तीसरे कंडीशन में इसको हटा दिया जाता है, ये दोनों साथों साथ हो जाता है, यानी कि लंब और आधार साथ में हो जाता है, ठीक, और इसी तीनों का उल्टा ये होता है, आपसे पूछ दीजिएगा कॉसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक, सेक थीटा क्या होता है तो कर्ण बटा आधार होता है,
कर्ण बटा आधार। फिर टी वाला टी का उल्टा, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो लंब बटा आधार, तो इसमें हो जाएगा आधार बटा में लंब। इतना तो आपको पता होगा ही, और नहीं पता है तो फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। याद रखिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये काहे होता है जी, जानते हो क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ देखो तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो ये कर्ण से कर्ण खत्म हो जाता है, बच जाता है लंब बटा में आधार। और लंब आधार किसका था? तो लंब और आधार यहाँ पे देखिएगा टेन का था, इसीलिए ये साइन कॉस मिला के क्या बना है? टेन बन गया है, ठीक है। तो जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। सिंपल, इतना तो आपको पता होगा ही। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला बनाने। फॉर्मूला बनेगा कैसे? पूरा फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आप नाम तीन लाइन से छह याद करिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों को उठा के सामने रखेंगे। क्या करेंगे हम? तीनों को उठा के सामने, तो ये तीन को ग्रुप है, ये तीन को ग्रुप है। अगर तीनों को सामने रखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या, साइन थीटा, फिर लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिखते हैं हम लोग टेन थीटा। जब ये तीनों को उठा के सामने रखेंगे तो साइन के सामने कॉसेक आएगा, कॉस के सामने सेक और टेन के सामने कॉट आएगा, यानी कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। और बीच में खाली मल्टीप्लाई, ये सामने रख के बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है वन। समझ में आया क्या? कि यानी कि इस तीनों को उठा के सामने रख दिए और बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए तो वन का वैल्यू है। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई ग्रुप, यानी ये गुणा वाला है, वन वाला है, वन वाला फॉर्मूला सब है, ठीक है, जो गुणा करके लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे कैसे फॉर्मूला बनता है? आपसे पूछ दिया जाएगा साइन थीटा बराबर, ये एक नंबर से बना रहे हैं, कॉसेक थीटा वन। अगर पूछे यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, तो जिसका पूछेंगे वो वहीं पे रख दो, आज जो भी बचेगा बराबर के उधर ढकेल दो, ये दिमाग में रख लीजिए। क्या करेंगे, ये साइन थीटा है तो साइन थीटा हम आपसे पूछे हैं, इसको इधर रहते, ये गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा वन बट्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम यहाँ कॉसेक जो पूछेंगे वो वहीं पे रखना है बाबू, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको वहीं रखो, और उसके साइड वाले को इधर भेज दो। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर ये बट्टा में आ जाएगा वन बट्टा साइन थीटा, ठीक है। हो गया, एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बना, बना के नहीं, वैसे ही ये भी है। अगर पूछे आपसे कॉस थीटा क्या होगा, तो इसको यहीं पे रखो, इसको बटा में भेज दो, तो एक बटा सेक थीटा। अगर पूछे आपसे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको यहीं पे रखो, इसको बटा, गुणा में है इधर आएगा तो बटा में वन बटा कॉस थीटा। आपको समझ में इतना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ टेन थीटा अगर पूछ दे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो वन बटा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा बराबर पूछ दे क्या होगा, ये वाला, इसको यहीं पे रखो, इसको बट्टा में भेजो, वन बट्टा टेन थीटा। ये पूरा का पूरा ऐसे बन गया, ठीक। हमको बस ये याद रखना है, तीन लाइन से था, तीनों को उठा के सामने रखे, वन आ गया। ये मल्टीप्लाई ग्रुप है, गुणा वाला ग्रुप है। एक होता है स्क्वायर ग्रुप। स्क्वायर ग्रुप में क्या होता है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में वन होता है। यानी कि साइन और कॉस का स्क्वायर कर दो तो क्या होता है, वन होता है। और एक ट्रिक याद रखिएगा, मामला को सेट कर दो। क्या कर दो? मामला को सेट कर दो। सेट का मतलब सेटिंग बैठा लो, तो से हो जाएगा सेक और टी से हो जाएगा टेन। ये स्क्वायर ग्रुप का बाबू बात कर रहे हैं। मामला को क्या करना है, सेट करना है, रट लो, सेट कर दो, सेट कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा एगो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस होता है, एक ही जगह प्लस होगा, माइनस टी से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब पूछिएगा, सर आप तो सेट कर दो, इस यहाँ कहाँ स्क्वायर दिए हैं? तो बाबू हम स्क्वायर ग्रुप ही तो बता रहे हैं, तो इस सब में स्क्वायर होगा, बराबर में क्या हो जाता है, वन। इतना समझ आया, मामला को सेट कर दो। आप बताइए और किसी नाम में सेक आता है क्या? तो सेक आता है कॉसेक के नाम में, देखिए यहाँ लास्ट में आ रहा है कॉसेक, सी ओ ए सी सी, कॉसेक थीटा माइनस। और किसी में टी आता है क्या? एगो तो टेन में आता है, एगो किस में आता है, कॉट में आता है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में भी वन। ये आपको फॉर्मूला समझ में आया। एक याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन, मामला को सेट कर दो, से हो जाएगा सेक और टी से हो जाएगा टेन, स्क्वायर ग्रुप का है। और ये दो ठू माइनस में होता है, ऊपर वाला प्लस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये याद रखिएगा, दोनों माइनस मिलके प्लस बना है, और सेक इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो इस हिसाब से ये भी फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला उठाओ,
और फॉर्मूला बनाओ सेक स्क्वायर थीटा। याद एक चीज रख लीजिए कि साइन के साथ कॉस रहेगा तो वन रहता है स्क्वायर में, सेट करोगे मामला को तो फिट हो जाएगा, मामला वन होता है, और कॉसेक करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक और कॉट वन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर यहाँ से आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ दे, जो पूछेगा उसको वहीं रखो और उसके पड़ोस में जो होगा बराबर के उधर ढकेल दो, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। अब हम आपसे खाली पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा बोला है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट का रूप ले लेता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ साइन रहेगा तो इधर कॉस रहेगा, अगर इधर कॉस रहेगा तो फिर इधर साइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आपको कॉस थीटा पूछे, सिर्फ कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो आप बताइए कि कॉस थीटा पूछे तो उधर का भेजना पड़ेगा, इस कॉस को रख लो यहीं पे और भेज दो एक बार साइन को एक बार स्क्वायर को, यही ना काम करोगे तभी तो बचेगा। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ स्क्वायर इधर नहीं है, इधर नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक ग्रुप का हो गया। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन आपको सेक का बनाना है, वैसे ही आपको कॉसेक का बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, अगर सेक थीटा बराबर आपसे पूछ दे तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। अगर यहाँ से कॉसेक थीटा पूछ दे, सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा, तो इसको यहीं पे रखो, इसको इधर भेज दो तो वन प्लस टेन सॉरी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट। लेकिन अगर 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 यहाँ समझिएगा, सिर्फ टेन पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो देखिए अगर टेन पूछ दे तो टेन को तो यहीं एक काम ना करो, टेन को भेज देना इधर और वन को किसी तरह जो पूछेगा उसको अकेले कर देना है, अकेले जिंदगी बिताना है ना जी, तो वही काम यहाँ भी करना है अकेले। जिसका वैल्यू निकालना होता है ना, जो बहुत बड़ा आदमी होता है ना वो अकेले चलता है, झुंड में नहीं चलता है, तो इसका वैल्यू निकालना है ना टेन का, इसको अकेले करो। तो अकेले दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको सेक को भेज दोगे तब वो अकेले हो जाएगा, नहीं तो इसको 10 को भेज दोगे तभी अकेला हो जाएगा। हम 10 को भेजेंगे सुविधा ज्यादा रहेगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को इधर भेज देंगे। देखो यहां से अगर हमको निकालना है, यहां से इधर समझते हैं, इधर ही नीचे लिखते हैं, देखो अगर यहां से निकालना है तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, प्लस में हो जाएगा ना, और 1 को ला देंगे इधर तो यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है इन्हें आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, आई 10 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाता है, तो टेन थीटा बराबर सेक। और एक ट्रिक क्या याद रखिएगा, जहाँ टेन रहेगा ना और सेक के टर्म में बदलना हो तो ये सेक का यही होता है, मामला को सेट कर दो, जहाँ टेन रहेगा वहाँ रिलेशन क्या होगा, सेक से जुड़ेगा। तो ये आपको समझ आया, वैसे ही ये भी बन जाएगा, अगर कॉट निकालना है तो कॉट को इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो वन को ला दीजिए कॉसेक के पास, तो सी ओ एस ई सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला रहा त्रिकोणमिति में, टेन लेसन में इसी में से रहेगा। ये ट्रिक समझ में आया, दो को ग्रुप याद रखिए, एक है मल्टीप्लाई ग्रुप और एक स्क्वायर ग्रुप, तीनों को उठा के रखिएगा, गुणा कीजिएगा वन आएगा, साइन स्क्वायर को मामला को कर देना है सेट, और सेट करके वन लिख देना है, स्क्वायर ग्रुप का है सब जगह स्क्वायर, किस में सेक आता है, कॉसेक में आता है, किस में टी आता है, कॉट में फिर आता है, यहाँ भी क्या लिख दीजिए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाता है, वन हो जाता है। एट लास्ट फॉर्मूला इसमें क्या आता है समझिएगा, यहां पे एक आता है यहां पे साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा, जहां साइन रहेगा वहां कॉस हो जाएगा, तो जहां कॉस रहेगा ना कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वहां होता है साइन थीटा, हो गया। वैसे ही यहां पे कीजिएगा तो हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो वैसे ही यहां लिख दीजिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा 10 थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही अगर काम करना चाहते हैं तो ये वाला हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा, हमेशा क्या होता है कॉसेक थीटा, और हो जाएगा कॉस 90 कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है सेक थीटा। अब ये कैसे याद रखिएगा तो समझिएगा बाबू, ये दोनों याद कर लीजिए, हाँ याद हो जाएगा, ये वाला दोनों याद कर लीजिए, ये वाला और ये वाला। आप बताइए सेक 90 माइनस थीटा, सेक और किस में आता है कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। याद देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसी का उल्टा सेक थीटा,
टी वाला याद रखिएगा, टी वाला टी में बदलता है, सेक वाला सेक में बदलता है, और जो बच गया वो एक दूसरे को बदल लेता है, ठीक है। तो जब टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में बदल गया, सेक कॉसेक में बदल गया, कॉसेक सेक में बदल जा रहा है, तो बच गया साइन कॉस, वो अपने में फरिया लेगा, बात खत्म। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला रहा जो कि आपका एट लेसन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो ये लगा हो शानदार, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा सबके पास पहुँचाइए। और एक और इसका फॉर्मूला आपको ट्रिक के जरिए याद रखना है, साइन 90, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ये सब जितना भी है उसका भी एक ट्रिक देखते हैं बिना देर किए। यहाँ देखेंगे कई बार कन्फ्यूजन हम लोगों के दिमाग में क्या आता है, बाबू देखिएगा यहाँ पे देखिए, साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 90, कॉस 0, फलाना ढमकाना धमकाना, कितना सब आ जाता है, 36-37 फॉर्मूला हो जाता है, बाप रे आदमी थक जाएगा याद करते करते, है ना जी। तो एक और तरीका है, पूरा का पूरा जिस तरह किताब में डेटा दिया रहता है ना, इधर 30, 60, 90 ऐसे लिख के पूरा डेटा, वैसे आप अपने से बिना देखे, बिना कॉपी देखे, बिना चीटिंग मारे तैयार कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, आपसे बन जाएगा। लेकिन फिर लड़का का क्वेश्चन ये आता है, आप लोग का क्वेश्चन कि सर मान लीजिए कि हमको साइन जीरो का मान निकालना हो, एक ठो तो मान निकालना है, इतना नौटंकी बड़का करना पड़ेगा, है ना बात ऐसा। तो उसके लिए भी बाबू ट्रिक बता देंगे, पहले पूरा डेटा एक बार तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद से जो आपका ये क्वेश्चन रहता है कि एक ठो मान निकालने के लिए, एक ठो वैल्यू निकालने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, तो उसका भी ट्रिक है, काहे घबराते हैं, मजे के साथ पढ़ना है, रिजल्ट बेहतर करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर दूसरा ट्रिक देखते हैं, समझिएगा आप उसका डेटा इसमें पूरा का पूरा लोड कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, मान लो जीरो होता है, जीरो डिग्री, उसके बाद होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है कितना 60 डिग्री, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर उसके 45 डिग्री, 45, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 यानी 90 डिग्री। ये पूरा का पूरा साइन 30, कॉस 30, 60 सबका निकल जाएगा। उससे पहले थोड़ा नाम लिख ले लाइन से, साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद कॉसिक थीटा और फिर सेक थीटा और एट लास्ट होता है कॉट थीटा। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है, ये छह नाम होता है। चलिए जीरो है ना, जीरो से ही शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, समझ में आया, 0 है तो 0 से 1, 2, 3, 4 कहाँ खत्म हुआ, 4 पर, जहां खत्म होगा वहीं से 4 से शुरू करो, 4 से भाग दे दो, क्या कर दो, ट्रिक समझिएगा, 4 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। और यहां रूट लगा देंगे, एक ही तो याद रखना है, रूट लगाना, बस एक ही तो याद रखना है, क्योंकि यहां 0 है तो 0 से 4 तक लिख देंगे, 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, रूट लगाना, आज जो निकलेगा वही इसका वैल्यू होगा। देखिएगा कैसे, 0/4 तो ये तो 0 हो जाता है, रूट वूट सब हट जाएगा। यहां देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 रूट से निकालता है तो 2 हो जाता है, निकलता है तो ठीक, ये हो जाएगा 2 × 4, 2 × 1 = 2, और ये 1 का वर्गमूल 1 ही रह जाएगा, √2 अंदर है, क्योंकि √2 तो अभी भी है। यहाँ देखिए √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, ये 4 × 4 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इतना तो कर लिए, रूट से बाहर आप निकाल लिए, उसके बाद से इसी को हम लोग अब सजा देंगे, ऐसे लिख रही है ना, कॉस में क्या करते हैं, उल्टा सजाते हैं, जो यहाँ है वो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन में क्या करते हैं, 10 निकालते हैं, और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बताइए 10 का बाबू निकालना हो तो क्या कीजिएगा, साइन और कॉस को बटा कीजिएगा तो 10 निकलेगा। तो बताइए 0/1 क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। इसको जब बट्टा कीजिएगा, इतना इसको बट्टा मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर बचा √3, तो 1/√3 हुआ। जब इसको बट्टा कीजिएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, इसको बट्टा कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म हो गया, √3 बचेगा। लेकिन 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 यहाँ पे भी लड़का क्या करता है कि 0/1 भी 0 लिखता है, 1/0 भी 0 लिखता है। तो एक चीज बता दे, 0/1 नीचे 1 रहेगा तब तो भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे अगर 0 देख लीजिएगा तो उसको भागे नहीं देते। आप बताइए ना, 0 का पहाड़ा होता है, टेबल होता है, तो जब नहीं होता है तो भाग नहीं लिखेगा, वो होता है अपरिभाषित। जब भी नीचे 0 देखिएगा अपरिभाषित, उसका कोई आंसर नहीं होता है, ये रट लीजिए मेरे बाबू, नीचे 0 कभी नहीं होता है। यहां पे तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे 0 तो हो जाएगा अपरिभाषित, जहां देखिएगा नीचे 0 वहां लिखिएगा अपरिभाषित, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जब तीन ठो तैयार कर लिए, तो इसी तीनों का ना उल्टा ये तीनों होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 0 है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या, इसके नीचे 1 छिपा है, जब इसको पलटिएगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, जहाँ जे नीचे 0 आया
नीचे जीरो तो क्या होता है अपरिभाषित। तो याद रखिएगा जहां जीरो देखिएगा वहां उसका उल्टा अपरिभाषित। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा दो होगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा रूट टू। अब नीचे एक नहीं लिखते हैं, क्या जरूरी है लिखना नीचे, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा एक, एक का उल्टा एक ही होता है सेक। यहां देखिए अब इसका उल्टा कीजिए, इसका उल्टा कीजिएगा तो एक ही होगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा टू बाई रूट थ्री, इसका उल्टा क्या होगा रूट टू, इसका उल्टा क्या होगा टू बाई एक, नीचे एक नहीं लिखते हैं। और जीरो का उल्टा जैसे ही कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब टेन वाला कीजिए, यहां तक हो गया, टेन वाला का उल्टा कॉट वाला होता है, जीरो का उल्टा अपरिभाषित हो गया, इसका उल्टा रूट थ्री हो गया, इसका उल्टा वन हो गया, इसका हो गया वन बाई रूट थ्री, और इसका हो जाएगा वन बाई जीरो, क्योंकि ये इस कंडीशन में है, ये चला जाएगा ऊपर ये आ जाएगा नीचे तो होता है इसका जीरो, तो ये हो जाएगा तो जीरो, ये आखिरकार इसको लिखना होगा तो क्या होगा जीरो होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा रहा, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक ठो अगर मान आपसे पूछे, यहाँ देख भी सकते हैं कॉस जीरो कितना वन होता है ना, चलिए जीरो में आइए कॉस में आइए, कॉस जीरो कितना होता है वन होता है। उसके बाद से देखिए साइन साठ रूट तीन बाई टू, तो साठ यहाँ पे है और साइन वाला यहाँ पे है, तो साइन साठ यहाँ देखिए क्या आया है रूट थ्री बाई टू आया है। यहाँ देखिए कॉस एक साठ कितना है, तो साठ में आइए कॉस एक के पास, तो यहाँ वाला है टू बाई रूट थ्री। कॉट तीस कितना है रूट तीन है, तो यहाँ देखिए तो कॉट तीस यहाँ पे 30 डिग्री में आइए, रूट थ्री है कि नहीं कॉट 30। तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा तैयार हो गया है, इसको बढ़िया से स्क्रीन शॉट लीजिए और एक बार इसका शॉर्ट कॉट ट्रिक देखते हैं। उस ट्रिक से आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा दूर हो जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये ट्रिक भी आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम है। वो पूरा डेटा तैयार करना था, उसमें पूरा डेटा नहीं है तैयार करोगे तो भी इस ट्रिक से बन जाएगा, समझिएगा वो ट्रिक क्या है। आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, इस त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनता है, ये याद रखिएगा। अब होता क्या है, यहां 30 डालेगा, यहां 60 डालिएगा, एक यहां लिखिएगा, क्या लिखिएगा एक, यहां लिखिएगा दो, और यहां लिखिएगा तीन, लेकिन यहां रूट में तीन लिख लीजिएगा, समझिएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर बात करेंगे, अब पूछेंगे लंब कौन है, तो लड़का बताता है ये लंब है। कभी सोचा है कि ये लंब क्यों है? नहीं बाबू, जब यहां से बोला जाता है थीटा ये रखा जाता है, या यहां से बोला जाता है कि लंब कौन है, तो यहां से सामने वाला ये लंब होता है, इसके लिए लंब होता है। लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये वाला लंब होगा, क्या होगा आप बताइए। लंबा आदमी को देखने के लिए क्या कीजिएगा, सामने देखते ना, अब नीचे देख करके नहीं ना बोलेंगे बाप रे बाप कितना लंबा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। कभी भी लंबा आदमी को देखने के लिए सामने देखते हैं। तो आपसे अगर हम पूछेंगे यहां पे देखिएगा, यहां पे ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, हम पूछे साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन यहां समझिएगा 30 के लिए लंब कौन होगा, तो 30 के सामने वाला ई वाला लंब होगा, यानी कि ए बी सी रखें तो ई लंब होगा, क्योंकि यहां से बोले यही पूछते हम साइन 60 तो लंब बटा कर्ण तो होगा, लेकिन 60 के लिए लंब कौन होगा, तो 60 के सामने वाला ई वाला लंब होगा, ई वाला होगा ए बी, अब बटा कर्ण नहीं बदलता है ए सी। उसी तरह 30 के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला ये बी सी, और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो वही रहेगा ए सी। ये चीज याद रखिएगा, ऊपर वाले के लिए ये सामने वाला लंब, इसके लिए ये वाला लंब, तब जाकर के आपको ट्रिक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहां देखिए अब हम बोल रहे हैं साइन 30 का मान, तो 30 क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 30 के लिए लंब कौन एक, कर्ण तो वही रहेगा दो। यहां देखिए कॉस 30 के लिए क्या होगा बाबू, कॉस 30 क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, 30 के लिए सामने वाला लंब होता है, तो सामने पास वाला क्या हो जाता है आधार, तो रूट थ्री बटा कर्ण तो वही रहता है। फिर टेन 30 लंब बटा आधार, तो 30 के लिए सामने वाला हो जाएगा ये वाला लंब यानी एक, और आधार हो जाएगा रूट तीन, हो गया कि नहीं। आ इसी का उल्टा तो ये तीन टो होता है, कॉस एक ये उलट दीजिए यानी कि दो हो जाएगा, ये पलट दीजिए तो हो जाएगा कितना दो बट्टा रूट थ्री, और ये हो जाएगा आपका रूट में थ्री। यहाँ 30 और 60 का बन जाता है। वैसे ही साइन 60 क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब और कर्ण सिंह, लंब सिंह और कर्ण सिंह आती है ना जी, कर्ण देवी। तो यहाँ देखिए साइन 60 होता है 60 के लिए लंब सामने वाला हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा रूट थ्री और कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण तो कभी नहीं बदलता है बड़ा, यही कभी लंब होता है कभी ये लंब होता है, तो वो यहाँ देखने के अकॉर्डिंग। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन है एक, और कर्ण कौन हो जाएगा दो। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, तो टेन 60 है, 60 के लिए लंब हो जाएगा रूट थ्री
और आधार ये, तो आधार एक नीचे नहीं लिखते हैं, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप इतना। अब ये आप इसका उल्टा लिख लीजिएगा, ये तीन हो जाएगा, इसको पलट के इसमें लिखिए, इसको पलट के इसमें लिखिए। सुनिए अब ध्यान से, ये तो रहा सिर्फ 30 और 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का अलग होता है। वैसे ही एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए ऐसे 90 डिग्री, यहाँ डालिएगा आप क्या एक एक, यहाँ डाल दीजिएगा रूट टू। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों नीचे एक से शुरू हुआ है, एक दो रूट तीन तो एक रूट टू, लेकिन यहाँ भी एक होगा, यहाँ 45 45। अब देखिए जैसे निकालना हो 10 45, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो 45 वाला है ना, तो इसके लिए लंब ये वाला आधार एक, एक बटा एक एक ही होता है। चलिए साइन 45 निकालना हो तो क्या कीजिएगा, साइन 45 के वैल्यू साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा लंब और बटा में कर्ण, तो एक बटा रूट टू, यहाँ कोई भी लंब लिख सकते हैं। चलिए बताइए कॉस 45 क्या होगा, तो कॉस 45 आधार बटा कर्ण यानी 1 बटा रूट 2। तो याद कैसे रखिएगा, पहली बार त्रिभुज बनाइएगा एक लिखिएगा, दो लिखिएगा, रूट तीन लिखिएगा, दूसरी बार त्रिभुज बनाइएगा एक लिखिएगा, दो लिखिएगा, लेकिन रूट में यहाँ भी 1 होगा, तो ये 45 का है। ये याद इतना रखेंगे, और जीरो वाला जहाँ तक बात रही, ये इस तरह से पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। और रहा बात जीरो वाला, तो छोड़िए ना जीरो वाला, क्या याद करना है, एक चीज याद कर लीजिए क्या, एक 0 10 इतना याद रखिए, और 108, ये दो गो चीज याद कर लीजिए, 0 10 और 108। अब कहिएगा ई का लिखे हैं सर, तो समझिएगा साइन 0 cos 0 10 0, जीरो वाला ऐसे याद कर लीजिएगा, और कॉस एक से कॉस इसी का उल्टा होता है, ये तीन गो का मान है, पहले जीरो से शुरू किया, साइन 0 0 cos 0 1 10 0 0, तो 0 1 0 आया कि नहीं, ठीक। अब 90 वाला, अब इसका आपको बदलना हो साइन को कॉसेक में तो इसी को ना पलटिएगा, कॉस को सेक में तो इसी को ना पलटिएगा, तो ये याद रखिएगा। उसी तरह साइन 90 वाला याद रखिए, साइन 90 कॉस 90 10 90, तो यहाँ क्या होता है 108, तो 108 ऐसे दीजिएगा इसको अपरिभाषित वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो साइन 0 0 cos 0 1 10 0 0, उसी तरह साइन 90 1, जहाँ यहाँ 0 होगा तो 90 वाला में 1 होगा, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो 90 में 1 नहीं है, अपरिभाषित है। तो याद रखिएगा 0 1 0 ये 0 के लिए है, आई 108 है 90 के लिए, आई है 0 डिग्री के लिए, ठीक है। अब उसमें पूछ दे कॉसेक 0 क्या होगा, तो 0 वाला में आएगा, ये पूरा 0 ग्रुप है, 0 वाला में साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ पे इसको पलट दीजिएगा तो एक चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, तो ये होता है अपरिभाषित। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कमेंट में बताइए, 0 10 और 108 इतना चीज याद रखिएगा, तो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो लगा, और सुनिए 9 लेसन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए नहीं, 9 लेसन में एक ही तो फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, बस हाइपोटेनस वाला है फॉर्मूला, एक याद रखिएगा, कर्ण बराबर होता है ना जी, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो एक आएगा फॉर्मूला, अगर खूब ज्यादा आने वाला होगा तो यही आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर लंब स्क्वायर पूछ दे या लंब बराबर, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, इसका भी ट्रिक बना दिए, और कर्ण स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब है तो इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, इसी तरह अलग अलग चीज होगा, यहाँ आधार अगर पूछ दे तो लंब यहाँ पे चला जाएगा। और सुनिए पूरा का पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव कराया जा चुका है, 1 से लेकर 15 तक लाइन बाय लाइन 15 का वीडियो आपको देख लेना है, 14 वीडियो, क्योंकि 11 लेसन में ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी रचना कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बाबू आप जा करके देख लीजिएगा ना, आपका 100 में 50 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मार दें, क्योंकि उससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जा करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखिए, मात्र 10 मिनट 12 मिनट ऐसे ही करके एक वीडियो होगा, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। और हाँ, पूरा सब्जेक्टिव यानी पूरा सामाजिक विज्ञान का मस्ट VVI क्वेश्चन, जो पूरे YouTube पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्रश्न कोई भी हो उत्तर यही होगा, यानी मात्र 14 क्वेश्चन है, 14 और 14 मतलब पूरा मिला के 12 13 14 ऐसे ही क्वेश्चन है, और इसी 14 क्वेश्चन में से एग्जाम में आपको आएगा। सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट अपलोड होते जा रहा है, उसको जाकर जल्दी देखिए, समय बहुत कम है, नहीं तो एग्जाम बाद देखिएगा ना, बड़ी पछताना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा पहले, पिछले वाला वीडियो में यही हुआ था, एग्जाम बाद आकर के देखा, बोला कि पूरा का पूरा लड़ गया, लड़का बड़ी अफसोस कर रहा था, तो जा करके देख लीजिए, अफसोस मत कीजिए, अभी आपके पास समय है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो का फॉर्मूला देखते हैं। तो अब यहाँ 10 लेसन देखते हैं, 10 लेसन में बाबू क्या कर रहा है, वृत्त पढ़ना है, और वृत्त में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है,
डायरेक्ट थोड़ा सा ब्रीथ का कुछ गुण है, क्वालिटी है, थोड़ा सा विशेषता क्या होता है वो समझेंगे। अब देखेंगे ये ब्रीथ दिख रहा है ऐसे, ब्रीथ तो देखेंगे गोली चीज को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ को जो लाइन आधा आधा काट दे उसे व्यास कहते हैं, ठीक। और जो नीचे से सिर्फ ब्रीथ को कहीं से काट दे उसे जीवा कहते हैं। अब ये जीवा के लिए कोई गारंटी नहीं कि कहां से कटेगा, बस ब्रीथ को काट दे कहीं से भी ऐसे काट दे, ये सब क्या है, जीवा है। लेकिन जो बीच से एकदम काटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। तो एक बात बताइए, हम लोग व्यास को जीवा भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवा का रूल क्या होता है, जीवा का रूल होता है ब्रीथ को कहीं से भी काट दे। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कहां कटती है, तो व्यास वाला जो कटता है ना, जो आधा आधा, यही ना सबसे बड़ा लाइन है जी, बीचों बीच काटने वाला। तो ब्रीथ के सबसे बड़े मतलब ब्रीथ के व्यास को हम लोग जीवा भी कह सकते हैं, यानी कहीं से ब्रीथ काटे उसे क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। अब देखिए ब्रीथ में जो केंद्र से इधर जाए, ये सब जितना भी केंद्र से जाए और परिधि तक मिले, इस साइड वाले जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को ब्रीथ में परिधि कहते हैं। परिधि माने होता है चारों तरफ, ठीक है। तो जो केंद्र से यानी बीच से या परिधि तक जो लाइन जाता है उसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जब एक ब्रीथ बनाइएगा तो एक लाइन खींचिएगा और बीच में केंद्र है, तो बताइए ये तो बीच से कटा है तो व्यास है, और एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं होती है, एक व्यास में दो त्रिज्या, एक इधर और एक इधर, दो त्रिज्या होती है। ये आपको याद रखना है कि एक व्यास में कितना होता है, दो त्रिज्याएं होती है। अब थोड़ा सा और बेसिक समझ, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये रट लीजिए, वो हम लोग अगले लेसन में देखेंगे पाई आर स्क्वायर कैसे होता है क्या होता है, लेकिन ब्रीथ का क्षेत्रफल याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। थोड़ा इधर समझिएगा, ब्रीथ देखें, मान लीजिए कि एक छोटा ब्रीथ है, ब्रीथ और गोला में बहुत फर्क होता है। जैसे बॉल देखें ना, बॉल गोला है, चारों तरफ से गोल दिखता है, लेकिन सिक्का देखें, सिक्का एक ब्रीथ टाइप है, वो चारों तरफ से गोल ना दिखता। जब आपको सामने से दिखाया जाए तो गोल दिखेगा, साइड से दिखाया जाएगा ना तो ऐसे टेढ़ा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। तो सिक्का हो जाएगा ब्रीथ और बॉल जो होता है वो गोला टाइप का होता है। तो हम लोग ब्रीथ के बारे में जानना है, समझिएगा यहाँ पे ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा यहाँ पे होगा। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और ब्रीथ, सभी ब्रीथ समरूप होता है। मान लीजिए कि समरूप माने एक ही रूप का, एक ब्रीथ हो गया और एक ब्रीथ, बड़ा छोटा है ना, लेकिन इसको भी आप ब्रीथ ही कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, ब्रीथ ही कहेंगे। अब ये नहीं कि इसमें समबाहु ब्रीथ, विषमबाहु ब्रीथ, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी ब्रीथ सब एक ही जैसा होता है, गोल दिखे तो ब्रीथ है, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, रूप तो सेम है ना, तो इसीलिए समरूप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जीवा पर केंद्र द्वारा, यानी कि यहां समझिएगा, अगर ये जीवा है, क्या है, जीवा है, आई केंद्र से अगर एक नीचे लंब डाल रहे हैं तो जीवा को दो बराबर भाग में तोड़ देगी, माने ये वाला और ये वाला क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये याद रखिएगा। यानी कि केंद्र से अगर नीचे ला रहे हैं लाइन को तो ये जीवा को दो हिस्सा में तोड़ देती है, ये आप याद रखिएगा, उसमें काम आएगा बेसिक में। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण 90 डिग्री होता है। अब यहां समझिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो वृत्त है और वृत्त का ये त्रिज्या है, और बाहर से कोई भी बिंदु अगर वृत्त पर जाके स्पर्श होता है, रट लीजिए, जाके बाहर से स्पर्श होता है तो ये दोनों लाइन के बीच 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90, यानी कि त्रिज्या और बाहरी से जो लाइन जाता है वो 90 डिग्री बनता है, और ये दोनों लाइन आपस में बराबर जाता है। जो दोनों लाइन बाहर से गया है ना, वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। इतना आप समझे कि नहीं, यानी कि कोई भी वृत्त है, रट लीजिए यहाँ पे देखिए, कोई भी वृत्त है और वृत्त के बाहर से अगर इस पर जाके सट रहा है स्पर्श रेखा, तो यहाँ स्पर्श रेखा के पास कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। त्रिज्या ये दोनों बराबर तो होता ही है, इतना आपको समझ में आया होगा। यहां देखिए तो वही बात है, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं बराबर होती है और ये दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चौथा है कि वृत्त पर केवल दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त अगर खींचोगे ना तो समानांतर, यानी ट्रेन के पटरी के जैसा लाइन जो आता है ना एकदम आमने सामने, उसे समानांतर कहते हैं। तो सिर्फ दुए को खींचा सकता है, एक इधर से देखिए तो समानांतर खींच दिए कि नहीं, तो दो समानांतर रेखाएं एक इधर से भी खींच सकते हैं और एक इधर से, तो दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बेसिक रहा। अब थोड़ा सा इधर देखिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यही क्वेश्चन। एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य माने बाहर से कौगो स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकती है, स्पर्श माने जाके जहां सट जाए, तो सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं, एक इधर और एक इधर, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब जो बीच से कहीं से तोड़ दे, उसे कहते हैं हम लोग व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं।
किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, हमेशा समझिएगा, किसी वृत्त के व्यास, व्यास मतलब ये बीच से जो कट जाए उसे क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। तो किसी भी वृत्त का जो व्यास है, व्यास का जो सिरा है, सिरा मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, सिरा पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसे दो गो सिरा पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दिए ना, तो जब हम शट कैसे स्पर्श बना होता है, शट कैसे स्पर्श खींचा ना, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती है, आपस में समानांतर होती है, ट्रेन के पटरी के जैसे एकदम सीधा समानांतर उसको बोला जाता है, ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। और ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हमको लगता है कि 7-8 बार जरूर पूछा है, ये मस्ट वीवीआई, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, आ जाइए एकदम पेपर में यही क्वेश्चन आपको बाबू देखने को मिलेगा, एकदम मेरा ये गारंटी है। देखिए कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, यानी एक बिंदु P है, P से O केंद्र वाले वृत्त पर एक क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया, O केंद्र वाला एक वृत्त है, P से एक स्पर्श खींचा गया, और जहां स्पर्श करता है ना उसका AO का नाम है A, AO का नाम है क्या B, यानी कि AP और PB ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, और जहां पे ये कोण झुका है वो कितना डिग्री का है, यहाँ पे देखिएगा स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो निकालना है POA, POA ई वाला एंगल निकालना है, समझिएगा ध्यान से, जब भी आपको ऐसे बताएं कि एक वृत्त है अब बाहर से ऐसे जा करके स्पर्श रेखा ऐसे सट रहा है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लेना है, ये 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होता है, 90 जहां स्पर्श होता है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोण जब मिलाइएगा ना तो 360 डिग्री होता है। अब हमको क्या पता है, तीन गो पता है, 90 180 180 और 80 कितना होता है, 0, 8, 8, 16, 14 में 1, 1, 2 280, यहाँ देखिएगा चारों मिला के 360 होता है, हमको तीन गो मिला के कितना आया 260, तो और कौ गो घट रहा है, 100 गो घट रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री, जबकि पूरा नहीं पूछा है, ये पूरा एंगल हो गया 100 डिग्री, आधा पूछा है ई वाला पूछा है, देखिए यहाँ पे ओ पूछा है, POA ई वाला, तो पूरा 100 है तो आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो इसका 50 डिग्री क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है, देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा, एक वृत्त दे देगा, आप वृत्त पर ऐसे लाइन खींच देगा, आप बोलेगा यहां से ऐसे क्वेश्चन देगा, बोलेगा अगर ये 70 डिग्री है, चाहे ये क्वेश्चन दे देगा ये 80 डिग्री है, तो ये वाला पूछेगा कितना डिग्री होगा, तो आपको एक चीज बता दे, जितना होगा ना इसका आधा ये होता है, अगर एक रूल है त्रिभुज का कि अगर सेम बेस हो, आधार एक ही जगह से निकला हो, वृत्त पर जा कैसे मिला हो, तो ये जितना भी होगा उसका आधा होगा, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये इसका आधा होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये लेसन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो हम लोग बिना देर ये देखते हैं अगला लेसन। अब यहाँ 12 लेसन का देखते हैं, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल देखते हैं कि आखिरकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वृत्त आधा कट जाए तो आधा का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, परिमाप यानी कि सबको मापे तो क्या होता है, और उससे क्वेश्चन जो पूछा गया वो समझे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एक वृत्त का नाम ले यहाँ पे बाबू, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसके लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देने से क्षेत्रफल निकल जाता है, तो ना वृत्त में लंबाई चौड़ाई तो होता ही नहीं है, ये यहां से एक होता है ये वाला और एक ये वाला, जब भी वृत्त देखिएगा तो उसके साथ पाई रहेगा, और यहां से एक आर ये और एक आर ये, यही ना लंबाई चौड़ाई इसका, और क्या हो सकता है त्रिज्या, तो दोनों को गुणा कर दीजिए आर और आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और जहां वृत्त रहता है वहां पाई रहता ही है, ये एकदम लिख लीजिए बाबू कि जहां वृत्त रहेगा वहां पाई रहेगा, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल माने मान लीजिए कि आधा वृत्त ये हो गया, आधा वृत्त इसका निकालना हो कि ये कितना दूर में है भाई, तो आधा कर दो तो पाई आर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल होता है, आधा नीचे 2 लगा दोगे तो हो गया आंसर इसका सिंपल। वृत्त की परिधि, परिधि देखिए क्षेत्रफल में गुणा करते हैं आप परिधि में जोड़ते हैं, यहाँ देखिए तो ये आयत होता है, आयत में यह लंबाई यह चौड़ाई, ठीक है, तो जब भी इसका क्षेत्रफल पूछता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया जाता है, लेकिन जब इसका परिमाप पूछा जाए या परिमिति पूछा जाए तो सबको जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, क्षेत्रफल में गुणा होता है आप परिमाप में जोड़ा जाता है, एल प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, फिर ये भी L है ये भी B है, L प्लस B, तो यहाँ पे 2L प्लस 2B होता है, और दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो होता है L प्लस B, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में गुणा होता है, तो हमने तो क्षेत्रफल निकाला तो ये R और R को गुणा कर दिए,
क्या कर दिए गुणा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अब गुणा नहीं करना है, अब इसका परिमाप निकले तो आर और आर को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2R, अब वृत्त जहाँ रहेगा वहाँ पाई रहबे करेगा, रहेगा कि नहीं, तो 2πR हो जाता है, तो इसको सीधा लिखते हैं 2πR, ठीक है। अब देखिए, अब मामला आता है कि आधा वृत्त की परिमिति क्या होती है, तो जब किसी वृत्त को पूरा रहता है तो 2πR, जब आधा कीजिएगा तो आधा करने से क्या हो जाता है 2πR का आधा कर दीजिए तो 2 से 2 खत्म हो गया, ये वाला आधा बच गया πR, क्या बच गया बाबू आधा पाई आर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पूरा रहता है वृत्त तो इसका होता है 2πR, आधा हो गया यहाँ से यहाँ तो हो गया πR, लेकिन नीचे एक लाइन भी तो है, परिमिति का मतलब होता है चारों तरफ से बंद होना चाहिए मेरी, ठीक है, तो यहाँ कौ गो आर हो जाता है, दो गो आर हो जाता है, तो दो गो और आर लिख देते हैं, अब ये दोनों में से आर कॉमन लोगे तो पाई प्लस 2 हो जाता है, या फिर आपका यही हो जाएगा वृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 टू पाई आर, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो एक वृत्त है, त्रिज्या खंड का मतलब होता है एक त्रिज्या दुग होगा, त्रिज्या द्वारा एगो खंड टूट जाएगा, आप देखिए तो अगर यहाँ से तोड़िएगा ऐसे, ये आपको दिख रहा है, बताइए इसको अगर इधर से धकेल दे, धक्का दे तो जाके बैठ के फिर गोला हो जाएगा कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, इसी त्रिज्या से नहीं टूट के हट गया है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो कि कितना दूर भाई इसका एक पीस निकाल लीजिए खाने के लिए, तो भाई कितना पीस निकाले हो, इसका एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब वही पूछ दे चाप की लंबाई, यानी कि ई वाला कितना लंबा, इसको चाप बोलते हैं, इसको भी क्या कहते हैं साइड वाले बाउंड्री को जब कट जाता है तो चाप बोलते हैं, अब पूरा गोल रहता है तो उसे परिधि बोलते हैं, तो ये कट गया है तो ये छोटा चाप हो जाएगा, इसको बोलते हैं लघु चाप, छोटा को क्या बोलते हैं लघु चाप, और ये वाला होता है दीर्घ, दीर्घ चाप होता है, तो यानी चाप की लंबाई क्या होता है, तो पूरा होता है 360, जिसमें कुछ एंगल कट जाता है तो हो जाता है थीटा बटा 360 टू पाई आर, और ये होता है क्षेत्रफल में रहेगा तो पाई आर स्क्वायर, एक बना है इससे और एक बना है इससे, क्योंकि ये परिधि होता है साइड वाला, चाप की लंबाई निकाला गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इतना अगर फॉर्मूला आप समझ गए हैं, टोटल फॉर्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं, तो जब आप ये पूरा फॉर्मूला समझ गए तो ई वाला क्वेश्चन बताइए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, दो गो वृत्त का क्षेत्रफल एओ का 4 एओ का 9 दे दिया गया है, समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल दो का अनुपात दिया है ना, इधर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल एओ कितना दिया है, एक दिया है 4 और एक दिया है 9, पाई से पाई खत्म, आर बट्टा आर स्क्वायर, यही ना होगा, ये दोनों स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तब रूट में होगा तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3, तो आर का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला है ये, फिर हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं, यहाँ समझिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, कोई वृत्त की त्रिज्या है बेचारा, पहले कोई त्रिज्या होगा आर, इसी त्रिज्या को दूसरे त्रिज्या में यानी R2 रख दो, दो गुना कर दे, यानी दो से गुना कर दे, इस त्रिज्या को क्या कर दिए दो गुना कर दे, तो कह रहा है कि नए और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, तो नया वाला आइए ना बनाए 2R और पुराना वाला क्या था R, दोनों का अनुपात निकाल देना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी होता है पाई आर स्क्वायर, नया पहले बोला है, पहले वर्ड क्या दिया है नया, तो नया वाला कितना है 2R त्रिज्या है, तो पाई से पाई खत्म, R का मान भरिएगा 2R स्क्वायर, अब पुराना वाला कितना है R स्क्वायर, दो का स्क्वायर होता है 4R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4/1, हो गया 4:1, कितना हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर, सिंपल। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 मीटर परिधि, यानी कि एक वृत्त की परिधि, यानी चारों तरफ का ये बाउंड्री को बोलते हैं परिधि, परिधि 44 मीटर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल देना है, तो पहले परिधि दिया है ना, तो परिधि दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का, वृत्त की जो दिया रहता है वही निकालते हैं, होता है 2πR, यही ना होता है, परिधि दिया है 44/2πR, कटाओगे तो ये हो जाएगा 22 बराबर, ये पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर, 22 से 22 खत्म, 7 में 1 इधर आएगा, 1 7 एकम
सात, इधर बच गया आर, आर का मान त्रिज्या कितना हो गया सात, तो देखिए तो इसमें त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। वैसे ही क्वेश्चन ये है, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया गया है जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन समझे, त्रिज्या खंड का मतलब एक ऐसे है, ऐसे ऐसे काट लिया गया है 90 डिग्री वाला, ठीक, तो बोल रहा है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त और जो कटा है भाग उसका क्षेत्रफल, चलो काट देते हैं थोड़ा सा बाहर, इसको निकाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये 90 डिग्री वाला है। कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, अनुपात माने होता है बटा, तो ऊपर लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे लिखिएगा कटे हुए भाग का क्षेत्रफल और दोनों को अनुपात में कर लीजिएगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और कटे हुए भाग का डिग्री है 90 डिग्री है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का हो जाता है, थीटा के जगह 90 डिग्री भरिएगा क्योंकि 90 डिग्री कट रहा है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से यहाँ पाई आर स्क्वायर एक बार में कट गया, ये इससे कट गया 9 चौका 36 हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/1 और बचेगा 4:1, यानी सी इज अ राइट आंसर। इसको थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हुआ होगा, कुछ परेशानी नहीं होता है, देखिए होता क्या है डायरेक्ट समझिएगा, पहले क्या बोला है वृत्त का क्षेत्रफल तो ऊपर लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, किसका अनुपात निकालना है कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो कट रहे हैं तो त्रिज्या खंड बन रहा है ना, और त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, कौन डिग्री का त्रिज्या खंड बाबू, तो 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड, तो थीटा का मान कितना भरिएगा 90 भरिएगा, सिंपल है। अब ये कटेगा 0 से 0 9 चौका 36, ये देखिए पाई आर स्क्वायर बटा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही ना हुआ है। अब यहाँ देखिए एक पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया तो ऊपर हुआ बचा एक, अब हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे 4 को ऊपर भेज देंगे एक नीचे आ जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा 4:1, यानी कौन आंसर हो जाएगा इसका, इसका सी इज अ राइट आंसर। चलिए आपको ये क्वेश्चन खुद बनाना है 5 नंबर, अगर त्रिज्या आर हो ठीक और थीटा पी डिग्री हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको इसमें खुद टिक मारना है क्या होता है। अभी मत कहिएगा पी बटा 360 टू पाई आर, ये थीटा बट थीटा का जगह तो पी है, ठीक है सब जगह पी है चलेगा, सब आंसर सही है ठीक है, लेकिन यहाँ 360 के बाद क्षेत्रफल में क्या होता है 2πr होता है कि πr स्क्वायर होता है, तो πr स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ 180 है, यहाँ 2πr है 180, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा चांसेस था लेकिन यहाँ 360 नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चांस था लेकिन यहाँ πr स्क्वायर नहीं है, तो हो जाएगा ये वाला, कैसे जब इसको कटाइएगा ना तो हो जाएगा 360 पी बटा 360 πr स्क्वायर, डी इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लगा हो शानदार तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट है, इसको पूरा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को ये मिले और वो भी ज़बरदस्त नंबर लाए, जो कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया ना बाबू वो इस बार 90+ लाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अब यहाँ इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला देखते हैं, आप तो इस फॉर्मूला को रटे होंगे ना, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ का तरीका और ट्रिक होता है और आपको बहुत आसानी से, और देखिए ये मैट्रिक के एग्जाम है, 10th के बोर्ड देने जा रहे हैं आप और बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और इसमें से हर बार फॉर्मूला पूछता है, और सबसे ज़्यादा फॉर्मूला नोट कर लीजिए कौन पूछता है, गोला और शंकु और ये तीन फॉर्मूला ज़्यादा पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोला और ये बेलन का फॉर्मूला पूछता है, यानी सिलेंडर और यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बाबू पूछता है, दिमाग में बैठा लीजिए ये दो ठो फॉर्मूला, अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो ये दो ठो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, वैसे याद हो जाएगा बता रहे हैं ना हम, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये घन है, आप लीडो वाला गोटी देखें जब खेलते हैं तो इसी टाइप का होता है कि नहीं, और किसी भी घन के एक हिस्से ऊपरी वाला हिस्सा एक वर्ग जैसा होता है, किस जैसा होता है एकदम वर्ग जैसा, वर्ग समझते हैं ऐसे होता है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है बाबू वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे चारों लाइन बराबर उसे वर्ग कहते हैं, और इसी टाइप का इसमें दिख रहा है कि नहीं, चारों भुजा उसे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, समझ में आ गया। अब बताइए कि लीडो वाला जो छोटा गोटी होता है उसमें कब स्ट्राइक होता है, कितना वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है, तो 1 वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं मिला करके पूरा का पूरा 6 वर्गों से मिल करके एक घन बनता है, 1 वर्ग का भुजा स्क्वायर तो 6 वर्ग का कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर,
समझ में आया? अब देखिए घन का पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है? तो सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा खोल दीजिए, तो खोल दीजिएगा तो आमने सामने आर पार दिख जाएगा कि नहीं? तो जब आमने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा खोल देते हैं तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व बोलते हैं। तो बताइए, पहले 6 गो था, ऊपर और नीचे हट गए तो कितना बचा? 4 गो बचा, तो हो जाएगा इसका 4 गुणे भुजा स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए घन का विकर्ण का होता है, तो घन का विकर्ण होता है, अब बीच से कर्ण निकालना पड़ेगा, तो √3 भुजा होता है, यानी साइड्स होता है। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। √3 गुणे भुजा होता है। और घन का आयतन का होता है। अब बताइए आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? समझिएगा, आयतन और क्षेत्रफल में बहुत डिफरेंस होता है। क्षेत्रफल का मतलब जिस पर हम लोग खड़े हैं ना, जमीन पर खड़े हैं तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम लोग क्षेत्रफल पर खड़े हैं, अब अंदर थोड़े ना है। मान लीजिए कि हम एक रूम में आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो हम क्या हैं? हम अभी रूम के अंदर है, रूम के बाहर नहीं, रूम के अंदर है। तो अंदर वाले चीज को आयतन बोला जाता है, अ से अंदर, अ से आयतन। जब आप एक गिलास में पानी पी रहे होते हैं ना, तो जब गिलास में आप पानी पीते हैं तो क्या करते हैं? गिलास के बाहर पानी रहता है कि अंदर पानी रहता है? अंदर, तो आयतन में पानी रहता है। बाहर भी पानी थोड़ा थोड़ा लगा रहता है तो आप गिलास के पानी को पीते हैं, चाटते नहीं है। जब आप उसको चाटिएगा ना तो क्षेत्रफल को चाटिएगा, जो साइड साइड से होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, समझिएगा इसमें। और जो अंदर जगह रहता है उसे क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। गिलास में जब पानी पीते हैं ना तो पानी कहाँ रहता है? अंदर, आयतन में रहता है। आप कहाँ सोते हैं? रूम के अंदर सोते हैं, आयतन में सोते हैं, ठीक है। अगर ये आयतन नहीं रहता, आप जगह ही खाली नहीं रहता, हम लोग कभी भी आयतन में अंदर रहते हैं। अंदर की चीज को आयतन बोला जाता है, अंदर के जगह को क्या बोलते हैं? आयतन। और साइड साइड से ये जो चारों तरफ से दीवार होता है ये क्षेत्रफल का काम करता है। तो आप क्या करते हैं जब अंदर सोते हैं? तो घर के अंदर सोते हैं कि दीवार पर ऐसे सट के सोते हैं? जब दीवार पे आप सट के सोइएगा तो समझिए क्षेत्रफल पर है, ठीक। और अंदर है, हम लोग रूम के अंदर है तो आयतन में, तो अंदर का मतलब आयतन होता है, ठीक। तो घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी साइड्स का पावर 3, ठीक है, याद रखिए। अब 3 क्यों होता है उस समय से स्क्वायर? तो सुनिए, कोई भी घर अगर बनता है तो उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अब मान लीजिए कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, तो ये तीनों मिला करके एक घर बनता है। ऊंचाई कम रहेगा तो छत नीचे हो जाएगा कि नहीं? और ऊंचाई कम रहे, मान लीजिए कि ये जमीन हो गया, ऊंचाई जितना बढ़ाइएगा छत उतना ही ऊपर होगा, जितना कम कीजिएगा जगह कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो तीनों मिलता है, इसीलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो भुजा क्यूब हो जाता है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग घनाभ, इसी का बड़ा भाई घनाभ है, ठीक है। जैसे इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा होता है, इसका होता है 2 × LB, वो हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट खोल करके देखिए बाबू, अभी भी समय है, अभी भी आप चाहें ना तो मैट्रिक में टॉप कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो L का मतलब होता है क्या? लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई। तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे यहाँ पे लंबाई हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें भी ऊपर और नीचे का हट जाएगा तो 4 गुना दीवार बचा, तो इसका होता है 2 × L + B और यहाँ हो जाएगा एच, ठीक है। कभी कभी एच यहाँ पर भी लिखा जाता है, बहुत लोग लिखते हैं। तो ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। विकर्ण क्या होता है? तो √लंब का स्क्वायर, नहीं L² + लंबाई चौड़ाई लिखते हैं, आधार नहीं, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हो जाता है। ये इसका क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है। और आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है लेकिन स्क्वायर में होता है और प्लस में होता है, ये विकर्ण होता है। याद रखिए क्या है? विकर्ण है और ये आयतन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। बेलन समझते हैं, ध्यान से इधर देखिएगा बेलन क्या होता है। यहां देखिए बेलन आपको थोड़ा देर के लिए समझा रहे हैं। देखिए ये एक प्रकार का बेलन है, ये आप कागज देख रहे हैं, ये कागज जो पन्ना है एक प्रकार का बेलन है। यहाँ आर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब ये आर पर दिखाई दे रहा है तो ये क्या है बाबू? एक बेलन है। अब ये बेलन है तो बेलन दो तरीका से होता है, एक मान लीजिए कि ड्राम हो गया, बेलन हो गया, और ये बेलन में आर पर ये दिखाई दे रहा है। जब इसको हम खोलेंगे ना तो खोलेंगे तो ये आयत बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बीच से अगर तोड़ करके हटाए तो ये आयत बन जाएगा। तो बेलन का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो ये साइड वाला, साइड वाले को क्षेत्रफल कहते हैं। अब बेलन का आयतन पूछेगा तो अंदर के जगह, जितना जगह मान लीजिए कि इधर से बंद करके इसमें पानी भर दे तो जितना इसमें पानी अटने का जगह है ना अंदर, उसे आयतन कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो खाली साइड वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो साइड वाला तो रहेगा ही, और नीचे से यहाँ पे होल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको ऐसे देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? ब्रीथ है कि नहीं? इस ब्रीथ से इसको ढक लेंगे और फिर ऊपर से भी हम लोग क्या लगा देंगे? ब्रीथ। तो यहाँ देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना,
लगा, एक तो रह गया बेलन ऐसे साइड वाला, और दो एक नीचे से वृत्त लगा और एक ऊपर से वृत्त लगा और दोनों ढक गया, यानी तीन गो चीज मिलकर संपूर्ण बना है, यानी एक साइड वाला, ऊपर से इस टाइप का एक वृत्त और फिर नीचे से वृत्त, तो पूरा का पूरा ढक जाएगा, तो उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब समझिएगा, तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, ठीक, ये साइड वाला का सिर्फ होता है 2πRh, ये याद रखिएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ये क्या हो गया, साइड वाला को बोलते हैं हम लोग क्या, 2πRh, ठीक। अब हमको चाहिए संपूर्ण, तो नीचे एक वृत्त लगा देते हैं और ऊपर, क्योंकि बोल है ना जी, और ऊपर भी एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो नीचे एक पाई आर स्क्वायर लगेगा और ऊपर एक पाई आर स्क्वायर लगेगा, और साइड में हो गया 2πR, तो तीनों मिला करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां देखिए, जब तीनों मिलेगा बाबू, तो यानी कि संपूर्ण में होता है 2πRh प्लस नीचे एगो वृत्त लगेगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर ऊपर एगो वृत्त लगेगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये बनता कैसे, 2πRh, एगो पाई आर स्क्वायर, एगो कितना हो जाएगा 2πR² हो जाएगा ना, दोठो। अब देखिए, ये दोनों में कुछ कॉमन ले लो, 2πR कॉमन ले लो, तो बचता है h प्लस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर क्वेश्चन किसी पर भी बना सकते हैं। आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन ये वाला आपको दिख रहा है 2πRh, इसका साइड वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो आयतन खाली ले जाके इधर रख दीजिए, यानी कि 2 यहां होता है πRh, दो को हटा करके r के पास रख दीजिए, πR² हो जाएगा इसका आयतन। ये दिमाग, तो ये पूछता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है πR² और ये होता है 2πRh, ये समझ रहे होंगे। अब देखिए, शंकु, बर्थडे टोपी देखे हैं, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक टोपी हो गया बर्थडे πRL जो ऊपर से है, और जब संपूर्ण पूछे तो नीचे जब टोपी आप पहनते हैं तो नीचे गोल खाली रहता है ना, और संपूर्ण जैसे बोलेगा तो गोल वाला ढक देना है, तो नीचे से एगो का लग गया, वृत्त लग गया, तो संपूर्ण का बात करेगा तो πRL में क्या जोड़ दो, πR² जोड़ दो। अब पाई और आर कॉमन ले तो बच जाएगा एच प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। और आयतन क्या होता है, तो समझिएगा आयतन क्या होता है, पता है शंकु किससे बना है, बेलन से बना है, इसका होता है πR² h, लेकिन शंकु पता है जब इसको तीन हिस्सा तोड़ दोगे, जब बेलन को तीन हिस्सा तोड़ोगे तो बताओ ये शंकु बना है कि नहीं, ये और ये सेम दिख रहा है ये वाला, देखो तो तीन हिस्सा तोड़ता है, तो बेलन का आयतन होता है πR² h, लेकिन इसका तीन हिस्सा तोड़ दो तो 1/3 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/3, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन गया 1/3 πR² h, ये आपको, ये इसका होता है πR² h, इसका होता है 1/3 πR² h, तो ये आपका फॉर्मूला रहा। अब आते हैं गोला के बारे में, बॉल के बारे में, आप वृत्त का क्षेत्रफल उस समय से पढ़ रहे हैं बाबू, πR², एगो वृत्त, यानी एगो वृत्त का क्षेत्रफल πR², लेकिन बॉल को देखिएगा ना, दिशा चार गो होता है कुछ देर के लिए मान लिए, तो चारों तरफ से आपको वृत्त दिखेगा, ठीक है, लेकिन वृत्त में देखिएगा सिक्का चारों तरफ से गोल नहीं दिखता है, सिक्का आगे और पीछे से गोल दिखेगा, साइड से टेढ़ा ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है, लेकिन बॉल को देखिएगा तो चारों साइड से वृत्त जैसा गोल गोल दिखेगा, तो जब एगो वृत्त का क्षेत्रफल πR², तो चारों तरफ से देखिएगा तो हो जाएगा 4πR², ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी गोला का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय यहां पे क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 4πR², इतना समझ में आया, गोला का संपूर्ण पृष्ठ। अब बोलेगा अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्ध गोले का, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा होता है जब पूरा गोल होगा तो 4π², तो उसको आधा काट दीजिएगा तो दो गो बचेगा ना, तो हो जाएगा 2πR², लेकिन तीसरा कंडीशन समझिएगा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो इसका फिगर समझिएगा पहले क्या होता है, देखिए ये आधा गोला है और इसको आधा गोला को हम काट दिए तो ऐसे दिखेगा, दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, एकदम बर्तन की तरह दिखेगा, तो देखिए आधा गोला का होता है, पूरा होता है 4πR², तो आधा कीजिएगा तो कितना हो गया बाबू, 2πR², लेकिन जब हम बोले कि आधा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए इधर हो गया 2πR², निचुइया जब कोई भी बॉल खेलते समय फटता है तो ऊपर तो आधा रहता ही है, लेकिन नीचे गोल जैसा दिखाई देगा कि नहीं, अगर उसको जोर से अगर हाथ में दबाइएगा तो यहाँ पे गोल उखड़ जाएगा सर्कल, यानी नीचे भी गोल होता है और ऊपर से ऐसे होता ही है, तो ये हो गया 2πR², और नीचे हो गया एक गोल दिखेगा तो πR², यानी दो और एक कितना,
थ्री पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक गोल और यहाँ पे दो पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर ये और ये पाई आर स्क्वायर, तो दो और एक कब पाई स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आयतन, इसका आयतन क्या होता है, आयतन का होता है, तो इसका आयतन होता है चार बटा तीन पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें ऊंचाई थोड़े होता है, गोला में ऊंचाई नहीं होता है, गोला में त्रिज्या होता है, बीच से क्या होता है त्रिज्या, तो ये हो गया गोले का आयतन चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब। अब पूछेगा अर्ध गोले का आयतन, तो बस इसमें आधा कर दीजिए, किसी भी चीज को आधा करने के लिए खाली कर दो चार बट्टा दो तीन और नीचे लगा दो दो पाई आर क्यू, तो दो दुना चार, तो दो बटा तीन पाई आर की आधा गोला का हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लगा हो वीडियो शानदार तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो अब यहाँ 14 लेसन देखते हैं, यानी 14 लेसन सांख्यिकी, आखिर की ये होता क्या है, बहुत शानदार है और इससे हर बार क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछते रहता है। आप लोग देखे होंगे बहुलक क्या होता है, परिसर किसे कहते हैं, माध्यक निकाले, माध्यिका निकाले, माध्य निकाले, क्या माध्य माध्य सब ये देता है, यही समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, बच्चे सबको यही है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो समझिए मैथ का टेंशन फ्री हो जाएगी, मैथ में तो आप एकदम जबरदस्त नंबर लगेगा, मैथ में टॉपर तो आराम से बन जाएंगे। एसएसटी और मैथमेटिक्स यह आपका और उर्दू और हिंदी इसमें आप समझिए तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस बार। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा ये आखिर होता क्या है, समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग माध्य जानते हैं, समझिए इस सांख्यिकी में माध्य क्या होता है, एवरेज समझते हैं। मान लीजिए एवरेज का मतलब डायरेक्ट समझिएगा, आपकी मम्मी है, अगर आप तीन भाई हैं, ए को 10 रुपए दिए, ए को 20 रुपए दिए, ए को 30 रुपए दिए, तो बताओ झगड़ा होगा कि नहीं, होगा नहीं, छोटका लड़ाई है कि काहे उनको 30 रुपए मिला, तो पापा जी का किए आ करके, ठीक है आपके डैडी जी, और सब रुपयों को लेकर के एक में मिला दिए और सबको फिर बराबर बराबर बांट दिए, तो एक को 10 मिला था, एक को 20 मिला था, एक को 30 मिला था, यानी 30 और 20 50 और 10 60 को रुपया था, 60 को एक ही में मिला करके फिर बराबर बराबर भागों में बांट देना, यही कहलाता है माध्य, यानी कि सब के बीच मध्यस्थ कर देना, ठीक है। तो 20-20 रुपया आएगा कि नहीं, तो माध्य कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि एक के पास था 10 रुपया, एक के पास था 20 रुपया, एक के पास 30 रुपया, ये तीनों को मिला करके और तीन जगह बांटते थे, जितना को जोड़ा जाता है उतना से भाग, 30-20-50-10 कितना हो गया 60/3, एक घटेगा तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी सबको 20-20 रुपया बराबर भागों में, झगड़ा खत्म। तो झगड़ा खत्म तो उसी को कहते हैं हम लोग माध्य, क्या बोलते हैं माध्य, यानी बराबर भागों में बांटने, एवरेज बोलना, औसत बोलते हैं उसको हम लोग, लेकिन सांख्यिकी में इसे एवरेज को क्या बोलते हैं बाबू, माध्य बोलते हैं। माध्य समझिए क्या होता है, माध्य का मतलब या इसका एक और नाम है माध्यिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका का मतलब बाबू होता है कि बहुत सारा नंबर लाइन से सजा हुआ है, उसमें का एकदम सब छाटते हुए जो बीच में बच जाएगा ना उसी बिचवनिया को हम लोग कहते हैं माध्यक या माध्यिका, यानी कि यही एक नंबर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सजा लीजिए, सजाइएगा कैसे, ये दो है, दो से बड़ा क्या है तीन, तीन से बड़ा क्या है चार, दो बार चार है और उसके बाद क्या है पांच, लाइन से सज गया ना, बढ़ते क्रम में सजा लिए, अब दो को इधर छाटिए, दो को इधर छाटिए, बीच में क्या बच गया चार, तो चार ही इसका माध्यक हो जाएगा, इसको एक और नाम से जानते हैं माध्यिका, यानी कि माध्यिका, याद रखिएगा, याद कैसे, ये भी चार सबसे लिखा है, ये भी एक दो तीन चार, यानी चार एक तरह से वर्ण समझ लो लिखा गया है, तो बीच वाले को क्या बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, ध्यान समझ, जो बहुत बार इसमें रिपीट हुआ हो उसे बहुलक कहते हैं, यानी लक से जो बहुत बार आ जाए उसे बहुलक कहते हैं। तो यहां देखिए तो चार आया है कि नहीं, दो बार, और कोई बहुत बड़ा है नहीं, तो बहुलक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, इसमें देखिए माध्य कितना हो जाएगा, बीच में जो आया उसे चार हो जाएगा, माध्य, माध्य तो अभी ये बताए थे, सबको जोड़ दीजिए आज इतना है उतना ही से भाग कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, पांच और चार नौ, नौ चार तेरह, तेरह और तीन तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, दो अठारह, अठारह में एक दो तीन चार पांच से भाग दे दीजिए, जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा माध्य, माध्य हो जाएगा, यानी सबको जोड़ के और उतना ही से भाग दे देना, बराबर भागों में बांट देना, उसे कहते हैं हम लोग माध्य। ई आप समझ गए, इसी से सबसे ज्यादा बहुलक पूछता है, जो बहुत बार है उसे बहुलक कहते हैं, ई रट लीजिए, जो लक से बहुत बार है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। ये हमको ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा, उससे पहले एक और क्वेश्चन देता है, परिसर क्या है, परिसर पूछेगा, ध्यान से आप थोड़ा थोड़ा आपको बताए, परिसर बहुत सारा नंबर लाइन से सजा होगा, ठीक, जैसे दो पाँच तीन चार छः कुछ भी ऐसे, ठीक है, बहुत सारा नंबर सजा होगा, अब पूछेगा इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर में यहाँ पे देखिए तो परिसर कहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं यहाँ, बस छोड़ दिए, परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, दोनों को घटा दीजिए परिसर निकल जाएगा, तो सबसे बड़ा इसमें आठ है और सबसे छोटा इसमें दो है, तो आठ में से दो जाएगा चार, यानी कि इसका परिसर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, सिंपल, तो इसको कहते हैं हम लोग परिसर, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इधर फॉर्मूला के तरफ, ठीक है,
वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह आपको पता है कि ये जो बीच का ऐसे ऐसे लिखा है इतना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बारंबारता। यानी कि 2 से 4 नंबर कितना है? एक बार है। 2 और 4 के बीच की संख्या है कितनी बार है? 2 बार है। इसको कहते हैं बारंबारता। एक होता है वर्ग चिन्ह, क्या होता है? अगर हमको माध्य निकालना हो इस हिसाब से तो हमको चाहिए F1 और X1 चाहिए। F तो पता हो गया, X कैसे निकलता है? X को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग चिन्ह पूर्ण रूप से नहीं बोलेंगे, पहले X निकालेंगे। तो X कैसे निकलता है वर्ग चिन्ह? ये दोनों को जोड़ के, यहाँ देखिएगा, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग कर दिया जाता है। तो देखिए 0 और 2 जुड़ेगा तो 2 और 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो 4, 4 और 2 6 और 6 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहां समझिएगा, 2 और 2 में 2 से भाग कीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कीजिए, 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। वैसे ही 6 और 4 10, 10 में 2 से भाग, यानी कि सब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1, 3, 5, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9। अब ट्रिक समझ लीजिए, उसी क्रम में सजा है, और यहाँ हो जाएगा 11। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। हमको क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे हमको चाहिए F1 X1, गुणा में चाहिए। तो F पता हो ही गया, X पता हो गया, अब गुणा कर दीजिए 1 में 1 से, तो 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ F1 और X1 को गुणा कर रहे हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 2 22 हो जाएगा, ठीक। लेकिन 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 यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या लगा है? इस टाइप का ई टाइप का लगा है, इसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जहाँ सिग्मा लग जाए उसको समझिएगा जोड़ना है। तो F1 X1 में सिग्मा लगा है तो इसको जोड़ना है, फिर यहाँ F1 में सिग्मा लगा है तो F1 को जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़िए कि आखिरकार ये होगा का। देखिए 4 और 2 कितना है? यहाँ पे पूरा का जोड़िए, यहाँ पे 22 है, उसके बाद क्या है? 54 है, 35 है, उसके बाद क्या है? इसमें 5 जोड़ना है, फिर क्या जोड़ना है? 6, और फिर क्या जोड़ना है? 1। कैसे भी जोड़िए 4। अब ये मत कहिएगा सर आप नीचे से क्यों जोड़े? अरे कहीं से जोड़ो बाबू, सब बातें क्या, जोड़ना तो सबको है। 4 और 2 6 और 6 और 5 11 11 5 16 16 और 6 22, 22 और 1 23 के 3, हाथ में 2 बचा, और 5 2 7, 7 और 3 10, 10 11 12 कितना हुआ? 123 हुआ, 123 हुआ। आप जोड़ लीजिएगा इधर उधर होगा तो, यानी कि हम सिग्मा F1 और X1 जोड़े तो 123 निकला। ये टोटल यही है, देख लिए 4 2 6 5 11 11 5 16 16 6 22 1 23 के 3 हाथ में 2 5 2 7 8 9 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़े तो 123 है। अब किसको जोड़ना है? सिग्मा F1 को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 5 9 और 6 15 15 और 2 कितना हो गया? 17 हो गया। यानी कि जब इसको जोड़े हम, ध्यान से समझिएगा, सिग्मा F1 को जोड़े तो 17 आया। अब क्या निकालना है आपको? अगर इसमें माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? सिग्मा F1 X1 बटा सिग्मा F1। अब ये सिग्मा F1 X1 कितना है? 123, और ये कितना है? 17 है। अब इसको कटा दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया? माध्य हो गया। तो आप माध्य निकालना सीख गए। अब हम लोग को क्या सीखना है? तो माध्य तो हो गया, अब माध्यक और बहुलक ये पूछता है। अगर ये तीनों एक ही बार पूछे तो वो 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बार ये पूछा है माध्य। तो सबसे पहले ये दिया रहेगा आपको कौन? वर्ग अंतराल और बारंबारता। इससे आप पहले x निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। फिर ये दोनों को गुणा करेंगे तो F1 और X1 निकलेगा, इससे आपका माध्य निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको निकालना है ये माध्य और बहुलक, ये दोनों निकालना है। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमको नहीं है। यहां देखिए, इस सब को जब हम जोड़े थे तो कितना आया था? 17। और 17 यानी n/2 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? n/2। तो जब आप n/2 कर दीजिएगा 17/2, तो ये होगा कितना? ये हो जाएगा 2 8 16, और ये 2 5 10 8.5, यानी n/2 जब हम किए थे तो कितना आया था? 8.5। अब इसको याद रखिएगा, 8.5 नीचे आया था। अब यहाँ पे हम संचयी बारंबारता खींचते हैं। संचयी बारंबारता और बारंबारता में क्या अंतर है? तो बारंबारता में कहीं कहीं नंबर 1 कभी 2 कभी, यानी बड़ा छोटा लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 के बाद 4 है, फिर 2 हो गया, बड़ा छोटा लिखा है कि नहीं? लेकिन संचयी बारंबारता में ऐसा नहीं लिखा रहता, या तो वो घटते क्रम में रहेगा नहीं तो बढ़ते क्रम में रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद से 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 6 15, 15 और 2 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग CF। तो अगर हमको माध्यक निकालना है, ये वाला फॉर्मूला निकालना है माध्यक, तो CF यहाँ भरेंगे तो भरेंगे क्या? पूरा CF थोड़े ना भरेंगे। ये अगर CF लिखा है तो पूरा CF नहीं भरेंगे, कौन सा CF भरेंगे यही देखना है। तो समझिएगा, ये जो 8.5 आया है ना, इसको जोड़ने के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा जो होगा ना, उस लाइन को हम लोग घेर देंगे। 8.5 से बड़ा कौन है? 9 है।
ये भी बड़ा, ये भी, लेकिन जस्ट ये बड़ा है, तो इस लाइन को हम लोग पूरा घेर देंगे। इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, पूरा घेर देंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इस लाइन को हम लोग पूरा घेर देंगे, ठीक है। और इसी के ऊपर वाला सी एफ कहलाता है, यही सी एफ का मान भरेंगे। अब देखिए एल, इसी लाइन में लास्ट वाला ये जो है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जो छः है इसको कहते हैं हम लोग एल, यानी एल बराबर हो जाएगा छः, यहाँ पे सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर आपका हो जाएगा चार, ठीक। और एच भी भरना है, एच क्या होता है तो बताइए, छः और आठ के बीच में कौन नंबर का ऊंचाई है, मान लीजिए कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो बीच में छः और आठ के बीच में दो का अंतर है ना, तो उस अंतर को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, तो एच बराबर हो जाएगा आपका दो, ठीक। अब क्या बच गया, एफ बच गया, तो एफ ये वाला हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक। अब यही टोटल चीज ले जाके इसमें जब भर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, मान एक निकल जाएगा, ये आपको समझ में आया, पूरा का पूरा हम बता दिए, एन बाई टू भी हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा, ये खाली भर करके सॉल्व कर लेना है, क्या निकल जाएगा, मान एक निकल जाएगा, ये आपको समझ में आया, इतना आया कि नहीं, इतना आप करके आप कमेंट बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। हम सिर्फ अभी पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता रहे हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक समझिएगा, बहुलक को कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले आपको L और H तो दोनों में लिखना है, L और H तो दोनों, L प्लस ब्रैकेट घेरिएगा, यहाँ लिखिएगा F1 और यहाँ लिखिएगा F0, F1 F0 लिख सकते हैं, इतना तो आप जरूर लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ क्या लिखिएगा F1 और F0 यहाँ भी लिखिएगा, इतना काम आप कर दीजिएगा। देखिए अपने से यहाँ दो लगाना है, क्या लगाना है दो, तो जब यहाँ दो लगाइएगा ना तो इधर भी एक लिखना पड़ेगा दो वाला एफ टू, ठीक है, जब दो लगा दिए तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा एफ दो लिखना पड़ेगा, उसके बाद से क्या होता है एच हो जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुलक का। और बहुलक कैसे निकलता है, तो जो एफ हो जाता है ना तो इसी को एफ वन कह देते हैं, इसके ऊपर क्या होता है एफ जीरो, लेकिन उसमें हम लोग देखो क्या देखते हैं, जब ये वाला कंडीशन आता है तो सबसे बारंबारता का सबसे बड़ा मान देखते हैं, बारंबारता का सबसे बड़ा नंबर क्या है तो ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ वन, ठीक। जब ये F1 है तो इसके नीचे क्या आएगा दो आएगा F2, तो इसके ऊपर क्या आएगा F0 आएगा, तो ये F1 F0 F1 F2 F0 हो गया, और फिर इस साइड आओगे तो फिर L1 और उसके बाद से बीच के गैपिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पे H बोलते हैं, तो ये इस साइड बनता है। बस अब फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बार पूछता है। अब बहुलक का एक और फॉर्मूला है, समझिएगा, बहुलक का एक और फॉर्मूला है बहुलक, वो फॉर्मूला है क्या, थ्री माध्यक माइनस टू माध्य, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी देता है ऐसे, जब माध्यक बराबर चार और माध्य बराबर दो हो तो बहुलक क्या होगा, तो अब उसमें बहुत बार तो खोजने नहीं जाएगा, दो नंबर में बहुत बार कहाँ कोई नंबर रिपीट हुआ है, तो इसी के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या माध्य का जब चार भरेंगे, चार तीन हो जाएगा ये बारह, माइनस ये भरेंगे माध्य का जब दो दूना चार, बारह में से चार जाएगा तो कितना आठ बचेगा, ऐसे निकलता है। अब ये फॉर्मूला में लड़का कन्फ्यूजन कहाँ होता है, आप लोग कहाँ बढ़ेगा कि कभी कभी दो इधर लिख दीजिएगा तीन इधर लिख दीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो उपाय बता रहे हैं। देखिए ये माध्यक एक दो तीन चार गो से लिखा गया है, आ ये तीन गो से लिखा गया है, आ देखना दोनों में आधा आधा ये ध है, आधा आधा ध है ना, अगर इस दोनों ध को मिटा दें हटा दें तो एक दो तीन गो से लिखा है तो आगे तीन लिखा है, आई को से लिखा है दो गो से तो आगे दो लिखा है, तो ये बहुलक का याद रखिएगा आप, माध्यक और माध्य यही आपका पूछता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब उससे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लें, यहाँ देखिए बहुलक जो बहुत बड़ा है उसे बहुलक कहते हैं, तो देखिए एक बार दो बार और तीन ज्यादा बार आया है और कोई नंबर नहीं आया है, एक चार आया है वो दो बार आया, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, बहुलक किसे कहते हैं, जो बहुत बार आए अधिकतम बार आए, तो अधिकतम बारंबारता को क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। यहाँ देखिए माधिका क्या है, जो बीच में आए लेकिन डायरेक्ट बीच में नहीं आए, समझिएगा पहले इसको सजाते हैं, तो सजाइए पहले एक लिखिए फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच फिर छः फिर सात, ये तो लाइन से पूरा सज गया, और इसमें जो बीच में आएगा ना वो माधिका है, तो तीन को इधर छाँटिए तीन को इधर छाँटिए, बीच में ही ना है तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। परिसर निकालना है, तो परिसर किसे कहते हैं, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर को घटा दीजिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है अट्ठारह है, ठीक, और सबसे छोटा नंबर कौन है दो है, तो अट्ठारह में से जब दो घटाएगा तो सोलह आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चयन छूट गया है कि क्या निकालना है, पाँच तीन चार दो तीन एक, ऐसे क्या निकालना होगा इसमें, सोचिए तो क्या निकालना हो सकता है कि इसका माध्य निकालना हो या माध्यक निकालना हो, अब ये छूट गया तो इसको हटाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो गया था कि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, तो समझिएगा यहाँ बोल रहा है कि छः आठ नौ एक्स तथा तेरह का माध्य दस है तो एक्स का मान निकालना है, चलिए माध्य पूछा है ना तो सबको जोड़ के जहाँ तक नंबर दिया है और उतना ही से भाग दे, दस को मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये माध्य बराबर दे दिया है, माध्य दस दिया है, माध्य का क्या होता है माध्य दे दिया है आपका कितना दस, और माध्य का जब हम यूज करते हैं तो माध्य का बोले सब नंबर को जोड़िए और उतना ही से
भाग दीजिए, यही माध्य कहलाता है ना बाबू। तो ये जाएगा 6 + 8 + x + कितना हो जाएगा 6 + 8 + 9 + x + 13। अब बट्टा में 1, 2, 3, 4, 5 गए तो 5 से भाग दे दीजिए। माध्य कितना दिया है 10, और ये 8 × 6 = 14 होता है, 14 और 9 = 23, 23 और 13 = 36। अब प्लस में x, अब बटा में 5। लड़का क्या करता है 36 में 1 जोड़ के 36x कर देता है। अरे एक जात का ना है बकलोल, इसीलिए ही क्या होगा नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और बराबर 36 + x। ये प्लस में एने आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का मान निकालना है हमको, 50 - 36 = x। ये 10 में से 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5 और 4 में से 3 जाएगा 1x बराबर आपका 14 आ जाएगा, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, बहुत सारा अंक रहेगा सबको जोड़ के, और जितना अंक रहेगा उतना से भाग तो देना ही है, लेकिन कौन सा 5 विषम संख्या लेना है। शुरू से विषम संख्या किसे कहते हैं, तो यहां देखिएगा, प्रथम बोला है ना, प्रथम माने 1 से शुरू करना है। तो यहां देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कौन-कौन चाहिए, 5 को चाहिए, और तब इसका माध्य निकालना है। तो ये हो गया ना, इस सबको जोड़ दीजिए, आई 5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि जितना जोड़ा जाता है उतना ही से भाग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं माध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं माध्य। चलिए जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 और 3 = 4, 4 और 5 = 9, 9 और 9 = 18 जोड़ दो, 18 में 7 जोड़ोगे तो 18 × 2 = 20 और 5 = 25 हो जाएगा। अब बटा में 5, 50 हो जाएगा 25, 5 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। तो वीडियो लगा हो शानदार तो लाइक को दबाइए, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि बिहार के जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है सब लोगों का अच्छा नंबर आए। ठीक है, ये नहीं कि आप देख करके इसको रख लीजिए, जो भी आपके दिमाग में हो कि अच्छा हमारा यार एगो पढ़ता था 10th में, उसको भी भेजो, ताकि एक बार इस वीडियो को देख ले और उसको समझ में आ जाए कि ओ इतना ही में मैथ कंप्लीट है। ठीक है, तो बिना देर की हम लोग लास्ट देखते हैं लेसन 15 लेसन, उसमें थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला कुछ है नहीं, परिकता है, संभावना है। संभावना का मतलब समझ रहे हो, मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, और जा रहे हो कहीं और झगड़ा हो गया, तो हुआ दूगो कंडीशन होगा, संभावना दूगो, या तो पीट के आओगे नहीं तो पिटा के आओगे, ये ना होगा। तो यही संभावना है, ठीक है, कि पिटने की संभावना तो एक ही बार ना है, दूगो कंडीशन है, या तो एक होगा नहीं तो नहीं होगा, तो होगा तो होगा तो ठीक है, दूगो कंडीशन। तो जो टोटल कंडीशन होता है ना, दूगो संभावना वो नीचे, और जो संभावना हो जाता है उसको ऊपर। जैसे हम बोले कि आप पीट करके आए हैं, झगड़ा में सबसे मजबूत पड़े हैं, तो कंडीशन कितना था, दो, या तो पीटेंगे नहीं तो पिटाएंगे, तो दूगो कंडीशन, तो दू नीचे लिखते हैं, अगर पीट के हैं तो एक बार ना वो कंडीशन है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाता है। तो परीक्षा बहुत आसान है, तो बिना देर की हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब 15 लेसन देखिए क्या कह रहा है, यह है परिकता, यानी परिकता का मतलब होता है संभावना, क्या होता है संभावना, कोई भी घटना अगर घट रहा है तो संभावना होता है, जैसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो घटना हो रहा है कि नहीं, एक तो मान लीजिए वही आपको जैसे कि एग्जांपल दिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो दो कंडीशन होगा, या तो आप फेल होंगे नहीं तो पास होंगे। घटना कब घटेगा, दो घटेगा ना, लेकिन अगर आप पास हुए तो घटना सही कौन संभावना हुआ कि आप पास हो गए, तो एक दोनों में से कोई एक ही को सही होगा बाबू। तो जो सही होता है या गलत है, जो पूछेगा हम बोले कि पास होने की संभावना बताओ, तो पास होने की संभावना दोनों में से एक ही बनना था, 1/2 आंसर। दो संभावना था, हो सकता है और नहीं हो सकता है, तो टोटल संभावना को नीचे, और जिसका चांसेस ज्यादा रहता है जैसे नहीं होने की संभावना, तो 1/9 में है तो ऊपर 1, यानी हमेशा नीचे वाला बड़ा रहेगा और ऊपर वाला जो पूछता है वो लिखते हैं। अगर हम बोल दिए कि कुछ देर के लिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 2 रेड बॉल है, 3 काला बॉल है, समझिएगा ठीक। अब पूछे कि इसमें से हाथ डाल के आप एक, तो टोटल बॉल कितना हो गया 5, तो टोटल को नीचे लिख लीजिएगा। अब बोले कि यादृच्छिक माने होता है बिना देखे, अगर एक बॉल बैग में उस हाथ डाल करके आप बॉल को निकालते हैं तो उसकी क्या परिकता है कि वो बॉल लाल है, तो बताइए। जैसे ही हम निकाले तो हमको आ रहा है परिकता, मतलब क्या संभावना आ रहा है कि वो बॉल लाल है, तो लाल कब आ रहा है, 2 बार है, तो जो पूछेगा वो ऊपर और टोटल नीचे, यही हो जाएगा लाल बॉल की परिकता, यानी 5 × 2 बार लाल निकलेगा ठीक। अब हम अगर पूछे कि उसकी क्या परिकता है कि वो बॉल लाल नहीं है, तो बताइए अगर हम हाथ डाल के निकाल रहे हैं तो 2 बार निकाले तो दोनों बार में लाल नहीं है, तो कब बार में आएगा, 3रा बार में, तो यहाँ पे नहीं आने की परिकता हो जाएगा टोटल 5। अब लाल बॉल नहीं आने की परिकता कितना हो जाएगा, 3 बार लाल नहीं आएगा, 2 बार लाल आएगा, तो ये नहीं आने की परिकता हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये हमेशा यही चीज आपको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए, संभव निश्चित, संभव या निश्चित घटना की परिकता 1, घटेगा घटना तो 1, नहीं घटेगा घटना यानी असंभव घटना की परिकता 0 होता है। जैसे असंभव घटना का मतलब क्या हुआ, हम अगर बोले
कि इसमें अगर लाल बॉल है, काला बॉल है, यानी ब्लैक बॉल है, दो गो बॉल है, हम बोले कि इसमें से जब हाथ डाल के निकाल रहे हैं बॉल ना, तो ग्रीन बॉल आ जा रहा है। लो भाई, इसमें तो खाली रेड है, अब मतलब ब्लैक है यानी लाल है और काला है, तो इसमें ग्रीन कहाँ से आ गया? ये असंभव है कि नहीं? ये हो ही नहीं सकता, एक भी बॉल ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक भी नहीं होगा तो एको बॉल नहीं होगा, तो असंभव उसी को कहते हैं। बातें असंभव है तो उसकी परिकता क्या होता है? जीरो होता है। ठीक, अगर निकलेगा तभी परिकता। अगर हम बोले कि लाल बॉल की परिकता, तो बोलेंगे हाँ भाई लाल निकल सकता है, एक बार आप तो एक बार जरूर लाल निकल सकता है। तो होने की संभावना एक और नहीं होने की संभावना जीरो। होने की संभावना को PE कहते हैं और नहीं होने की संभावना को PE' कहते हैं। ठीक है, यही परिकता का फॉर्मूला है। टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल सभी संभव परिणामों की संख्या, और जो पूछता है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यही याद रखिएगा। इससे ये क्या है, ये कई बार पूछा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जब होने की संभावना हमेशा एक के बार होता है, यानी कि PE हमेशा क्या होता है? एक होता है, एक से छोटा हो सकता है, यानी एक से छोटा कहाँ तक हो सकता है? जीरो तक हो सकता है। अब जीरो से छोटा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कहाँ से? जीरो और एक के बीच में रहता है। जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है 0.5, 0.12, लेकिन जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, एक से बड़ा नहीं हो सकता है। आपसे पूछ दे कि बताइए ये परिकता है कि नहीं, ये 2/3, तो आप कहिए कि नहीं ये परिकता, ये परिकता है। यहाँ देखिए, जैसे पूछ दे कि दो परिकता है कि नहीं, तो दो परिकता नहीं है, क्योंकि ये एक से बड़ा है। तो कोई भी संभावना एक ही बार होता है और नहीं होने की संभावना जीरो बार, तो हमेशा जीरो और एक के बीच में ही परिकता निकलता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ऐसे, 9.99 परिकता है कि नहीं होने की संभावना, तो ये पॉइंट हटाइएगा तो 1, 2 यानी कि 100 आ रहा है। तो बताइए ये परिकता है, क्योंकि नीचे वाला अभी ये बताया है कि हर हमेशा बड़ा होता है। तो अगर नीचे वाला बड़ा है, कोई मान लीजिए मैच 100 बार खेल रहे हैं, अब बोले कि 99 बार जीत गए हैं, तो 99 जो जीते जो पूछा जाएगा वो ऊपर और टोटल नीचे, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखेंगे 100/99। इसका मतलब क्या हुआ कि 99 गो मैच खेले हैं जिसमें से 100 गो जीत गए हैं, ये कभी हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमेशा नीचे वाला बड़ा रहता है परिकता के लिए। यहाँ देखिए, निश्चित घटना की परिकता नहीं हो, निश्चित घटना की परिकता नहीं होती अगर वो निश्चित है ही नहीं। अनिश्चित घटना की परिकता क्या होता है? जीरो। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की परिकता, पासा का मतलब समझते हैं, लीडो छक्का वाला गोटी देखे है ना, वो ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, ऊपर एक लिखा रहता है, इधर दो लिखा रहता है, इधर तीन लिखा रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, टोटल कौन लिखा रहता है? 6 गो। तो टोटल घटना कितना बार हुआ? 6 बार। अब पूछ रहा है कि उसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब होता है जो सिर्फ 2 अंकों से कटे, तो 1 होता है 2, 1 होता है 3, 1 होता है 5। यही 3 ऐसा संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। तो 1, 2, 3 बार आया है, टोटल 6 बार में 3 बार अभाज्य है, 3 × 2 = 6, 1/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को उछाला गया, आपने सिक्का को उछाल दिया, तो बताइए कब घटना होगा? मात्र 2 गो, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यानी नहीं तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। यहाँ देखिए, ये बोला है चीत पाने की परीक्षा, तो घटना तो टोटल 2 गो हुआ ना, अब बोला है कि चीत आने की परीक्षा, तो एक ही बार आएगा, तो 1/2, टोटल नीचे जो पूछेगा वो ऊपर, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला बोल रहा है कि निम्न में से कौन घटना की परिकता नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको पॉइंट हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, ये घटना है क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। ठीक, इसको हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, 10 गो में से 9 गो घटना हो रहा है, तो ये भी परिकता है। डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। इसको देखिए, जब इसको हटाइएगा तो नीचे आएगा 10, तो 10 बोल रहा है कि कोई काम 10 बार है, 11 बार हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 गो आप क्रिकेट खेले, 11 गो ऊपर जीत गए, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये परिकता नहीं है, बाकी सब है। 10 गो क्रिकेट में 5 गो जीत सकते हैं, 10 क्रिकेट में 9 जीत सकते हैं, 9 बार जीत सकते हैं, लेकिन 10 क्रिकेट में 11 बार नहीं जीत सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। होने की परिकता 1 और नहीं होने की परिकता क्या होता है? 0। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, PE + PE' बराबर कितना होता है? तो ये है PE होने की संभावना 1 और नहीं होने की संभावना 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये पूर्ण रूप से आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ। पूरा जबरदस्त तरीका से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना मेहनत आपके लिए काफ़ी है, हमारे तरफ से हमने तो मेहनत कर दिया, अब इसके एवज में हमको क्या मिलता है, ये हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि नहीं? आप खुद कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है। आप कमेंट में यस
सुनो, जो समझ में आए वो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, इससे और जबरदस्त तरीका से आने वाला वीडियो और अच्छा तरीका से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम एकदम हलवा हो जाए, एकदम जबरदस्त हो जाए, और एग्जाम में सिर्फ अपने एरिया में आप टॉप करें। ऐसा तैयारी करना है, ऐसा हथियार आपको बना देना है कि हर जगह चलेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि आपको देखिए ऑलराउंडर बनना है, पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। मैथमेटिक्स से आपको अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक ही वीडियो में 15 लेसन का पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब 15 लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, आपका 100 में 100 आएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सब्जेक्टिव कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो जा करके देख करके, पीछे प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, अगर वो देख लेते हैं तो 100 में 100 आपका होगा। उसके बाद से पड़ोस को जलाने में इतना मजा आएगा ना, कि मतलब वो सुकून जो मिलता है ना, ठीक है। वही लोग कहते थे कि क्या पढ़ता था, और जब रिजल्ट तुम्हारा बेहतर होगा कहेंगे हाँ हम जानते थे ही पढ़ता था, ठीक है। तो ऐसा तो बात कहेगा जरूर। तो याद रखिएगा इस चीज को, और शेयर ज्यादा कीजिएगा इसको, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट धमाकेदार आपके एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट मस्ट बेबी आई क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।